बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल लागे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। सभी को मेरा प्रणाम। मंगलाचरण। श्री श्री जी को आठ पहर की वृत जो श्री पद्मापुरी धाम में भई शुरू। अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रुहन, इश्क रबद खिलवत की बाता करे सयन, बाता करे सयन। अव्वल हक के दिल में धाम धनी परब्रह्म स्वरूप श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान श्री पांच पद्मावती पुरी धाम में विक्रम संवत 1740 से लेकर विक्रम संवत 1751 तक लगभग 11 वर्षों के बीच हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी के साथ जिन ब्रह्मात्माओं ने, जिन सुंदर साथ ने अपनी दिनचर्या पूरी की और किस प्रकार से श्री जी की सेवा करके उन्होंने अपने जीवन को सफल किया और भविष्य में आने वाले सुंदर साथ को एक मार्ग दिखाया, उस अष्टपहर की लीला का वर्णन करने से पहले ये मंगलाचरण किया जा रहा है। सागर श्रृंगार ग्रंथ में जहाँ परमधाम का वर्णन होना है, युगल स्वरूप का वर्णन होना है, परिक्रम किताब में जहाँ पूरे 25 पक्षों का वर्णन करना है, उससे पहले मंगलाचरण किया। तो यहाँ श्री प्राणनाथ जी की जागनी लीला जो चौथे और पाँचवें दिन के अंदर उन्होंने की है, उस लीला का पूर्ण स्वरूप परना जी में जाकर के जो 11 वर्षों तक सुंदर साथ को जो दिनचर्या करवाई और उसी का आधार बना करके जागनी ब्रह्मांड पर्यंत सुंदर साथ अपने धाम धनी को रिझाएंगे और अपने रहनी का एक मुहूर्त रूप देंगे। इसलिए यहाँ मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में आठ प्रहर की विरत पद्मावती पुरी में हुई। एक चर्चनी की वृत है जिसमें 25 पक्ष परमधाम की सारी शोभा का वर्णन किया जा रहा है। तो ये अष्टपहर की लीला का वर्णन है परमधाम की। तो इसमें जागनी लीला में जो अष्टपहर श्री जी के साथ रह करके जिन सुंदर साथ ने आठ प्रहर में जो कुछ किया, उन सारी लीलाओं का यह वृतांत वर्णन करने से पहले मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण यानी इस प्रकरण में जो मंगलाचरण इस बात से संबंधित है, जागनी ब्रह्मांड में आने वाली सभी आत्माओं को, सभी ब्रह्म सृष्टियों को इसे देख करके, इसे पढ़ करके, जिनके जीवन एक मंगल की ओर अग्रसर हो, मंगल कहते हैं शुभ, अमंगल कहते हैं अशुभ को, तो इस लीला का जो आचरण करेगा उसका जीवन मंगलमय होगा। इसलिए ये मंगलाचरण में इश्क रबत से लेकर के संक्षिप्त में पूरे जागनी ब्रह्मांड के प्रथम, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दिन और सातवें दिन में जिस प्रकार से न्याय की लीला होगी, आठ वहिस्तों में किस तरह से दुनिया कायम होगी, संक्षिप्त में इस प्रकरण में रखा गया है।
तो सबसे पहले कहते हैं अव्वल हक के दिल में, परम धाम में ब्रह्मात्माओं का इस संसार में आगमन होने से पहले इस खेल को देखने के दो कारण बने थे। एक तो अक्षर ब्रह्म को परम धाम की लीला देखने की इच्छा हुई, दूसरा धाम धनी ने दिल में लिया कि परम धाम का जो ऐश्वर्य है, जो मेरी साहिबी है, ब्रह्मनियों की साहिबी है, उसको हम जो ब्रह्मशिष्टियाँ देखती तो है यहाँ, उस लीला में समावेश तो रहती है, लेकिन इसकी जानकारी इनको पूर्ण रूप से नहीं है। जिस कालमाए की दुनिया में जाएंगे, जहाँ परमात्मा के नाम पर केवल जड़ वस्तुओं की ही पूजा हुआ करती है, वहाँ जा करके जब पता चलेगा कि ब्रह्मशिष्टियों की क्या साहिबी है और अक्षरातीत की क्या साहिबी है, ये वहीं पर पता चल सकता है। और इसको दिखाने के लिए ब्रह्मशिष्टियों को माया का खेल दिखाना जरूरी है, इसलिए राजी ने अपने दिल में लिया, इसको महाकारण कहा गया है। यहाँ से लेकर के मूल तन परातम में जागृत होने तक की संक्षिप्त में इस प्रकरण में बात लिखी गई है। अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रोहन, मैं ब्रह्मशिष्टियों को माया का खेल दिखाऊं, इसलिए इस क्रवध हुआ और इस क्रवध का परिणाम इस संसार में ब्रह्मात्माओं का आगमन होता है। मिलावा सैयन का उसके बाद धामधनी ये कहते हैं कि मैंने सबसे पहले जैसे ही अपने दिल में लिया ब्रह्मशिष्टियों को खेल दिखाने की इच्छा की, तो तुमने मेरे साथ प्रेम का संवाद किया। संवाद कहते हैं तकरार। कालमाय के ब्रह्मांड में सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होकर के रब्द होता है, विवाद होता है, लेकिन परमधाम का विवाद इस प्रकार का विवाद नहीं है, लेकिन यह समझने के लिए उसको रब्द संज्ञा दी गई है। रब्द का अर्थ होता है तकरार होना। तकरार होने का मतलब त्रिगुणात्मक रूप से किसी के साथ लड़ना झगड़ना इसको नहीं कहते हैं। जब बातों में सामंजस्य न हो और एक दूसरे में हर कोई प्रेम का दावा करता हो, ये परमधाम की लीला है। तो इसी को यहाँ प्रेम का संवाद करके वर्णन किया। धामधनी कहते हैं हकी सूरत श्री प्राणा जी के रूप में बंगलाजी में रह करके सुंदर सनात के सामने कहते हैं, यहाँ शरीर का कोई पर्दा नहीं है, सीधा आत्मा स्वरूप से धामधनी आवेश स्वरूप से ही सीधा ब्रह्मशिष्टियों को कह रहे हैं। दूसरी चौपाई है, चाहा करे खेल देखने में बरजो बेरतीन, तुमने माया की लीला को देखने की इच्छा की और मैंने ही तुमको तीन बार मना किया। इस चौपाई में बहुत समझने वाली बात है। ये बीतक कहाँ लिखी जा रही है? परना जी में लालदास जी लिख रहे हैं। ये मूल मिलावे में ये बात नहीं कही जा रही है। मूल मिलावे के प्रसंग को जागने के ब्रह्मांड में हक्की सूरत श्री प्राणा जी 5000 ब्रह्मशिष्टियों के सामने बैठ कर किए करें, चाहा करे खेल देखने मैं बरजो तीन बेर, तुमने खेल देखने की इच्छा की और मैंने ही तुमको तीन बार मना किया। आगे कहते हैं त्यों त्यों मांगे फेर फेर रब्द चढ़ी सिर मेर, और जैसे जैसे मैंने तुम्हें मना किया वैसे वैसे तुम्हारे अंदर देखने की चाह ज़्यादा बढ़ती गई और तुमने अपने मूल तन परातम रूप में परमधाम में मेरे साथ ये इसके संवाद को आगे बढ़ाया। तामे हुकुम सिरदार, और इसमें हुकम का स्वरूप प्रमुख है। हुकम किसको कहते हैं? अक्षरातीत का हुकम का स्वरूप कौन है जो ब्रह्मशिष्टियों को यहाँ खिला रहा है? राजी नूरी स्वरूप से परमधाम में विराजमान है, परमधाम में लीला करते हैं। परमधाम से बाहर आवेश स्वरूप में लीला कर रहे हैं। उसी मूल स्वरूप ने जो आवेश स्वरूप में लीला कर रहे हैं, ये मूल स्वरूप की इच्छा के अनुरूप ही आवेश स्वरूप लीला करता है। तो इसी को धाम धनी का आदेश या हुक्म कहा गया है। मूल स्वरूप की दिल की इच्छा जो आवेश स्वरूप जो लीला कर रहा है, वही राज्य का हुक्म है और वही आवेश स्वरूप ब्रह्मशिष्टियों के साथ पहली बार ब्रज में आया। 11 वर्ष 52 दिन तक
ब्रह्मलीला हुई, उसके बाद कालमाया के ब्रह्मांड से परे रास में प्रवेश करते हैं और योग माया के ब्रह्मांड में सबलिक ब्रह्म रास की लीला हुई। उस रास लीला को केवल ब्रह्म रास की लीला हुई, उस रास लीला को सबलिक में अखंड कर दिया गया। उसके बाद इच्छा पूर्ण न होने से पूर्ण जागनी के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माओं का आगमन हुआ और इस जागनी के ब्रह्मांड में हुक्म का स्वरूप अक्षरातीत का आवेश जो हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी के रूप में पाँचवें दिन में जागनी का लीला कर रहा है उसको सिरदार कहा गया है। क्योंकि जब प्रणा जी पहुँचे, आपने प्रणा जी की बीतक में सुना, नदी किलकिला तीर पर उतरे परमंश आए, तिनमें सिरदार अक्षरातीत, वही तो आवेश स्वरूप है जो अक्षरातीत मूल मिलाव में नूरी स्वरूप से विराजमान है, वही जागनी ब्रह्मांड में आवेश रूप में लीला करता है जो ब्रह्म सृष्टियों का सिरदार है। हकी सूरत धनिये की, हकी सूरत धनिये की, अब इसमें स्पष्ट किया है ये कौन पांचों दिन में कौन लीला कर रहा है। ये हकी सूरत धनिये की, धनी ने इस ब्रह्मांड में जो लीला की इसमें तीन सूरत कहे गए, एक बसरी, दूसरी मलकी और तीसरी हकी। बसरी मतलब मानवता का पाठ पढ़ाया, अरब का जो स्वरूप था उसने मानवता का, इंसानियत का पाठ पढ़ाया और परमात्मा की भजन बंदगी का एक मार्ग बताया। मलकियत का तात्पर्य होता है मिल्कियत है, ये मिल्कियत यानी तारतम ज्ञान की समृद्धि इस संसार में सबसे पहले सदगुरु देवचंद्र जी लेकर के आए। भले तारतम वाणी का अवतरण नहीं हुआ लेकिन मौखिक रूप से परमधाम का ज्ञान अवतरण हुआ। सुंदर सात को परमधाम का दिग्दर्शन कराया, जमुना जी का दिग्दर्शन कराया, जमुना जी का रसपान कराया और परमधाम की सारी लीलाओं का दिग्दर्शन कराया। इसीलिए तारतम ज्ञान का बीज रूप नौतनपुरी में प्रकट हुआ। एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। तो नौतनपुरी में श्यामा जी के हृदय में बैठ करके धाम धनी ने जिस तारतम ज्ञान को प्रकट किया इसको मलकी सूरत यानी मलकियत स्वरूप, हरा हुल्ला सुफेद गुदड़ी ए रू अल्लाह के कहे सोए। श्यामा जी दो जामा धारण करेंगी, पहला जामा हरा होगा। हरा क्या है? समृद्धि का प्रतीक है और कहीं भी किसी कार्य को शुरुआत करने के लिए हरी झंडी दिखाई जाती है। हरी झंडी यानी अनुमति मिल जाना। तारतम ज्ञान के अवतरण हो जाने से ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम का साक्षात्कार करने का, अपने मूल तन और धनी के दर्शन करने के या साक्षात्कार करने के लिए जो एक हरी झंडी दिया, इजाज़त मिल गई, वो ज्ञान मिल गया, इसीलिए उनको मलकी स्वरूप कहा गया है यानी मिल्कियत का प्रतीक कहा गया है। और यही ज्ञान महामती जी के हृदय में जब तारतम वाणी के प्रकट, तारतम वाणी के रूप में पूर्ण एक कुलजम स्वरूप की वाणी के रूप में प्रकट हुआ तो ये तारतम वाणी सभी ब्रह्मात्माओं को परमधाम का मार्ग दिखाएगी और सारा संसार के लिए आठ भैस्तों में अखंड होने के लिए एक कारक स्वरूप होगी। करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार, यही धाम धनी का स्वरूप है जो हक्की सूरत, हक्की सूरत मतलब साक्षात धाम धनी का पूर्ण स्वरूप, जिन्होंने इस रूप में आकर के अपनी पूरी पहचान कराई, ब्रह्म सृष्टियों के साथ प्यार करते हैं। किस तरह से प्रेम? कल के प्रसंग में आपने सुना कि प्रत्येक ब्रह्मात्माएं माया में जिस दुनिया में जिन घरों में जिन परिवारों में गई हैं, शायद उन्होंने कभी धनी को खोजने की चेष्टा भी नहीं की होगी, तब भी धनी उनके घर घर जा कर के उनको तारतम ज्ञान दे करके जगा रहे हैं। इससे बड़ा प्यार और क्या हो सकता है? इन स्वरूप की इन जुबा, इस हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी की महिमा का वर्णन इन शब्दों में कभी भी इस जुबान से नहीं की जा सकती। कहीं ना जाए सिफत, कोई भी और कभी भी इस स्वरूप की सिफत को शब्दों में सीमित नहीं कर सकता। शब्दातीत के पार की, क्योंकि ये स्वरूप शब्दातीत का है। शब्दातीत तो बेहद का ब्रह्मांड भी शब्दातीत है और उससे भी परे अक्षर और उससे भी परे
अक्षर से भी परे अक्षरातीत का स्वरूप होने के कारण शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबा हद इत, उसकी शोभा का वर्णन मुझे इस संसार में करना है। इस संदर्भ में तारतम वाणी में एक चौपाई आती है, वर्णन करना अर्श का तीन में भी हक जात, नूर अकल इत क्या करे जित लदुनी गोते खात। मुझे परमधाम की शोभा का वर्णन करना है और उसमें भी हक जात ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का वर्णन करना है। नूर अकल इत क्या करे, अक्षर ब्रह्म ने जिन ब्रह्म सृष्टियों के चरण के नखों के तेज को दीवालों से टकरा करके प्रतिबिंब रूप में देखा और मन में सोचने लगे जिनके चरण कमल की परछाई प्रतिबिंब की एक झलक इतनी सुंदर है, उन सखियों का स्वरूप कैसा होगा और उनके साथ परब्रह्म जो प्रेम की लीला करते होंगे वो लीला कैसी होगी, काश उस लीला को हम देख पाते, उन्होंने मन ही मन ये प्रार्थना की थी। तो ये उन ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का वर्णन करना है। नूर अकल इत क्या करे, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि यहाँ क्या करेगी। अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि कौन है, अस्राफिल फरिश्ता, और स्वयं अक्षर ब्रह्म ही जागृत अवस्था में परमधाम की लीला को नहीं देख पाते, नहीं जान पाते, तो ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का क्या वर्णन करेंगे। महामती जी कहती नूर अकल इत क्या करे, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि यहाँ क्या कर लेगी, यहाँ तो धाम धनी के द्वारा दी गई परमधाम की निज बुद्धि का ज्ञान ही, निज बुद्धि यहाँ लड़खड़ा रही है, मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, निज बुद्धि से वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, तो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि क्या करेगी। तो यहाँ अक्षरातीत की शोभा का वर्णन करना भी इसी संदर्भ में कर रहे हैं। इस काल माया की दुनिया में यहाँ के शब्दों से और यहाँ की जुबान की शक्ति से किसी भी तरह संभव नहीं है। साखा विजयाभिनंद का जब हक के सूरत श्री प्राणनाथ जी श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पहुँचे, विजयाभिनंद की शाखा हरिद्वार से शुरू हुई 1735 में, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते विजयाभिनंद की शाखा पाँच बरस व्यतीत हो चुके थे। बरस 1090 जब 1090 जब हिजरी सन के 1090 पूरे हो गए थे, यानी दसवीं सदी पूरी होने में 10 बरस के आसपास का जो समय था, उस समय विक्रम संवत 1735 का समय हुआ था, तो उस समय श्री जी हरिद्वार में पहुँचे थे, वहाँ से ये विजयाभिनंद का शाखा शुरू होती है और यहाँ पर सर्वप्रथम ये श्री जी ने अपने नूरी झंडे को वहाँ पर फहराया था। साके पाच परनामी ने अब परना जी पहुँचते पहुँचते विक्रम संवत 1740 का समय हुआ, तो विक्रम संवत 1740 में विजयाभिनंद की जो शाखा है वो पाँच पूर्ण हो चुकी थी। हुकुम श्यामा जी श्री देवचंद जी शामिल और उस स्वरूप जिसने विजयाभिनंद की शाखा शुरू की, विजयाभिनंद निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में जाहिर हुए, उसके उनके अंदर कौन विराजमान है, हुक्म का स्वरूप यानी अक्षरातीत का आवेश है, श्यामा जी की आत्मा भी उस उनके हृदय में विराजमान है, अक्षर ब्रह्म की सुरता भी उनके अंदर विराजमान है, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म, चिदघन स्वरूप राज्य का आवेश और आनंद स्वरूप श्यामा जी, ये तीनों स्वरूप सच्चिदानंदमय पूर्ण स्वरूप के रूप में प्राणनाथ जी विद्यमान है। दावत करी जाहिर और श्री जी यहाँ पहुँच करके दावत करी जाहिर, कौन सी दावत कर रहे हैं, कयामत को जाहिर होने की, परब्रह्म के स्वरूप इस संसार में जो जाहिर होंगे, भविष्यवाणियाँ की गई थी वो सारी भविष्यवाणी यहाँ पूर्ण होने की दावत करते हैं। भई साकुंडल सामिल और साकुंडल सखी, छत्रसाल जी के अंदर परमधाम की साकुंडल की आत्मा श्री जी ने परखी है और वो भी श्री जी की इस जागनी लीला में जुड़ जाते हैं और यहाँ से उनकी भी लीला शुरू हो जाती है। बेवरा तीन सूरत का अब इस प्रकार से बसरी, मलकी और हकी इन तीनों सूरत का यहाँ पूरी तरीके से विवरण दिया गया है।
जुदे हवाले जुदे काम। इन तीनों स्वरूपों के लिए अलग अलग कार्य दिया गया है। बसरी सूरत को परमधाम का संदेश लाने का और कुछ हकीकत और शरीयत को लागू करना और कुछ हकीकत की बातें यदि जिसके अंदर योग्यता हो तो उसको बता देना। हकीकत और मारिफत की बात सुन तो लिए थे लेकिन मारिफत की बात तो उनके ज़ुबान पर ही नहीं चढ़ी, तो उनको केवल एक संदेश लाने का कार्य दिया गया। उन्होंने खुदाई इल्म का संदेश लेकर के आए। मलकी सूरत श्री प्राणनाथ जी को तारतम ज्ञान के द्वारा हरी झंडी तो मिल गई लेकिन मारिफत के रहस्य खुलने का समय अभी जाहिर हुआ नहीं है। जब तक 1735 का समय नहीं आएगा उस समय तो निष्कलंक बुद्ध स्वरूप का जाहिर होना लिखा है, उस समय विजय विनंद की शाखा शुरू होगी। तो उससे पहले यदि श्री जी की पूरी पहचान हो जाती, अक्षरतीत का जाहिर होना दुनिया में यदि सब लोग जान जाते तो इस समय के लिए जो ये भविष्यवाणी लिखी गई थी उस वो कब पूरी होती ये संभव नहीं हो पाता। इसीलिए अलग अलग समय पर अलग अलग तनों से अलग अलग लीला होती रही। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जब हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी निष्कलंक बुद्ध रूप में जाहिर नहीं हुए, परमधाम की पूरी वाणी अवतरित नहीं हुई तो सद्गुरु देवचंद्र जी की जो लीला है वो अधूरी लीला है, या उनके अंदर राज्य की शक्ति नहीं थी या कुछ कम थी, उनको पूर्ण रूप नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए। हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी की लीला दोपहर के सूरज के समान है। देवचंद्र जी को उनके द्वारा जो ज्ञान प्रकट हुआ उनको पूर्णिमासी का चांद कहा गया है। पूर्णिमासी का चांद चारों तरफ अपनी चांदनी को फैलाता है, उजाला भी होता है, अंधेरा तो नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से दोपहर के सूरज उगने के बाद कोई संशय नहीं रह जाता, रस्सी रस्सी की तरह दिखती है, सांप को सांप की तरह ही दिखता है, एक तिनके को भी सही रूप में पहचाना जा सकता है, लेकिन जो पूर्णिमासी का चंद्रमा उगा हो तो उस समय रस्सी और सांप में कभी भ्रम हो सकता है लेकिन उसको अंधेरा भी नहीं कहा जा सकता। धाम धनी ने जिन तनों में बैठ करके लीला की है, धनी की लीला तो वही है, राजी उन तनों में बैठ करके लीला कर रहे हैं, राजी वही है, उनके अंदर कम शक्ति है, किसी के अंदर ज़्यादा है, किसी भी आधार पर हम ऐसा नहीं कह सकते। मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि जबराइल असराफिल का देवचंद्र जी के अंदर थे नहीं, महामती जी के अंदर आए तो जबराइल असराफिल दोनों आ गए, अक्षर ब्रह्म की आत्मा आ गई, इसलिए उनकी लीला प्रचंड हुई। लीला प्रचंड हुई, स्वरूप तो तब भी प्रचंड ही था जब देवचंद्र जी के अंदर लीला कर रहा था। मान लीजिए हम यदि ऐसा सोचते हैं कि जबराइल और असराफिल के प्रवेश होने से अक्षरातीत का स्वरूप ज़्यादा बलवान हो जाएगा या ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, ये तो सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात है। जबराइल फरिश्ता कौन है? जोश का फरिश्ता ही तो है, सत्स्वरूप में इनका ठिकाना है। असराफिल फरिश्ता भी जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, अक्षरातीत के द्वारा दिए ज्ञान को प्रकट करने की शक्ति के रूप में कार्य करता है असराफिल फरिश्ता, तो ये भी जागृत बुद्धि का फरिश्ता है। मैंने एक चौपाई इससे पूर्व आपको सुनाया, नूर अकल इत क्या करे जित लद्दुनी गोते खात, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि वहाँ कुछ नहीं कर सकती, तो ये असराफिल जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता है, जबराइल जोश का फरिश्ता है, तो क्या इन दोनों के होने से ही अक्षरातीत ज़्यादा शक्तिशाली होंगे? ये तो उनकी लीला है, किस समय किस शक्ति की कहाँ पर ज़रूरत पड़ती अपने आदेश के अनुसार उस कार्य को कराते हैं। ये दोनों स्वरूप अक्षर ब्रह्म की सुरता, श्यामा जी की सुरता, जबराइल और असराफिल मूल स्वरूप के हुक्म से आवेश स्वरूप जहाँ लीला करता है उनके इशारों पर ही ये सारी शक्तियाँ काम करती हैं। तो ये अक्षरातीत की लीला को प्रकट करने के लिए ये शक्तियाँ हैं, उनके स्वरूप को वृद्धि दिखाने के लिए या उनकी स्वरूप के ऊपर सिरपेच पहनाने के लिए नहीं है। सिरपेच तो स्वयं अक्षरातीत का स्वरूप है ही है, लेकिन जहाँ लीला प्रकट होती है उस लीला को प्रकट करने का कार्य ये जबराइल और असराफिल फरिश्ता किया करते हैं। और जो मलकी स्वरूप हैं सदगुरु श्री देवचंद जी का,
उनके अंदर श्यामा जी की आत्मा प्रवेश करती है। धरायो बाई नाम, नाम बाई सुंदर दिखायो निज वतन घर। उनके अंदर परमधाम की श्यामा जी, जिनको सुंदरबाई कहा जाता है, उनकी सुरता देवचंद जी के अंदर प्रवेश होती है। उनके अंदर 40 वर्ष तक उनको जागनी लीला के अंतर्गत खोज करवाते हैं, उनके जीव को तपाते हैं और उस योग्य हो जाने के पश्चात तीसरी बार दर्शन देते हैं तो कहते हैं तुम्हारे आकार के अंदर आए के बैठे हम तुम्हारी अंतरात्मा के अंदर विराजमान हो जाते हैं और जागनी लीला को मैं स्वयं ही संपादित करता हूँ। रूह अपना दिया खिताब, और उनको अपनी रूह होने का खिताब दिया। खिताब यानी शोभा, देवचंद्र जी को श्यामा जी की शोभा प्रदान की। सो कुंजी फुरमान की, अब जो फुरमान यानी आदेश पत्र, दुनिया में जो भी धर्म ग्रंथों में परब्रह्म के बारे में, परमधाम के बारे में अध्यात्म की सर्वोच्च बात, चाहे सांकेतिक रूप से हो चाहे संक्षिप्त रूप में किसी भी प्रकार से वर्णन किया हो, उसको खोलने के लिए तारतम ज्ञान की चाबी दिया। सबो दिखाया हयाती आब, और इन ग्रंथों के रहस्यों को खोल करके सबको अखंड का रसास्वादन कराया। दुनी पैदा जुलमत से, और जब ये सृष्टि बनी तो ये जुलमत यानी निराकार मंडल के अंदर सबसे पहले मोह सागर की उत्पत्ति होती है। उस मोह सागर में अक्षर ब्रह्म का मन, इत अक्षर को बिलस्यो मन, पांच तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताथे धीर चर सब उत्पन्न। मोह तत्व की रचना हुई, उसमें नारायण प्रकट हुए अक्षर ब्रह्म का मन सपने में, और नारायण के द्वारा त्रिदेव हुए और इन तीनों देवताओं ने सृष्टि का संचालन किया। हिरस हवा शैतान, और सबके अंदर सपने की बुद्धि होने के कारण और जीव के अंदर जन्म जन्म के संस्कार, ये संसार के माया के संस्कार होने के कारण सबके अंदर तृष्णा किस चीज़ की है? इंद्रियों के द्वारा अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने की जो इच्छा है उसको हिरस कहते हैं। यदि अध्यात्म तत्व के अंदर भी यदि देख लिया जाए तो इनके अंदर परमात्मा को खोज तो करते हैं, लेकिन किसको? या स्वर्ग, वैकुंठ या निराकार, पंचभूतात्मक पदार्थ को ही एक सत्य मान करके उसको अपनाते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं। इसीलिए इन सब वस्तुओं के लिए हिरस हवास यह शब्द प्रयोग किया है। सोचे पेड़े लो, और जो जिसकी कामना करता है, जिसको अपना इष्ट मानता है, जिसको अपना धाम मानता है, वो वहीं तक पहुंच सकता है। संसार के लोग किसकी कामना करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग, वैकुंठ और निराकार से परे। परमात्मा नाम तो लेते हैं, लेकिन परमात्मा आखिर किसको मानते हैं? या तो स्वर्ग में निवास करने वाला, या वैकुंठ या निराकार में निवास करने वाले को ही परमात्मा मानते हैं। तारतम ज्ञान के बिना कोई भी उस अखंड अविनाशी ब्रह्म के स्वरूप को जान नहीं सकता। ये तो नहीं कहा जा सकता कि उस ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता कि तारतम ज्ञान की ज्योति के बिना इन ग्रंथों में लिखे रहस्यों को समझना तो मुश्किल ही है। चढ़े न चौथे आसमान, और कोई भी भले चार आसमानों का वर्णन करते रहें और ये कहें चौथे आसमान से स्वयं खुद खुदा अल्लाह ताला वहाँ निवास करता है और हम उनकी बंदगी करते हैं, लेकिन वो चौथा आसमान है कहाँ और उसका स्वरूप कैसा है, उसके साथ हमारा क्या नाता है, किस नाते से हम उससे प्रेम करें, जब तक इन विषयों की जानकारी नहीं होगी तब तक उस खुदा अल्लाह ताला से मिल करके उस चौथे आसमान तक किसी की रूह पहुंच सकती नहीं है। तीन वजह की पैदाइश, इसमें तीन वजह की पैदाइश यानी तीन सृष्टियों का वर्णन लिखा है। जो कुरान में पांच प्रकार की पैदाइश कही गई थी उसमें एक कुन की पैदाइश यानी ये जीव सृष्टि है, और एक हाथ की, कहा एक हाथ के मतलब अक्षर की आत्मा, अक्षर की सृष्टि ईश्वरीय सृष्टि है, और एक पैदाइश बताई गई है मूल इब्तदाई की। मूल इब्तदाई की कौन है? जो ब्रह्म सृष्टियाँ जिनकी सुरता इस
ब्रह्मांड में सुरता स्वरूप में प्रकट हुई है उनको ब्रह्म सृष्टि कहा गया है। इसलिए यहाँ इन तीन सृष्टि को तीन पैदाइश करके इस प्रसंग में वर्णन किया है। लिखी अपने कलाम, अपनी वाणी में अक्षर की रूह के रूप में जो रसूल मोहम्मद ने लीला की उन्होंने अपनी वाणी में यानी कुरान में इस प्रकार से लिख दिया। और लिखा शास्त्रों में ने, और शास्त्रों में इनको क्या लिखा है, आम खास और खासल खास, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि करके अन्य ग्रंथों में इन तीन सृष्टियों की अलग अलग रूप से पहचान कराई गई है। पावे न खलक आम, लेकिन इसको एकीकरण करके समझने के लिए जब तक तारतम ज्ञान नहीं रहेगा तब तक किसी के लिए भी संभव नहीं है। ये ग्रंथ तो द्वापर युग से लिखे गए, वेद सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुआ, दर्शन शास्त्र उसके बाद में ही ऋषियों ने लिख दिया, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चला कि ये तीनों प्रकार की सृष्टि है तो कौन है और इनका मूल मुकाम कहाँ है। ये तो केवल तारतम वाणी के द्वारा ही स्पष्ट निराकरण होता है। कहो तीनों का बेवरा, इन तीनों का विवरण सुनिए। लाहूत जबरूत मलकूत, स्पष्ट कह दिया लाहूत मलकूत और जबरूत। मलकूत कहते हैं वैकुंठ को, जीव सृष्टि का धाम है। लाहूत कहते हैं अक्षरतीत परम धाम को, ब्रह्म सृष्टियों का अपना मूल घर है। और जबरूत कहते हैं अक्षर को, अक्षरधाम को। हालांकि अक्षरधाम में ये ईश्वरीय सृष्टियों का मूल तन नहीं है, उन्होंने सुरता धारण की है ब्रजमंडल में, इसलिए अक्षरधाम के अंदर कोई नई सखियां बन भी नहीं सकती, क्योंकि परमधाम के अंदर कोई चीज़ नए रूप से निर्माण नहीं हो सकती। तो ये ईश्वरीय सृष्टियाँ सत्स्वरूप के दूसरी भजत में अखंड रूप से इनका नूरी स्वरूप कायम होगा, इसीलिए इनका मूल स्थान सत्स्वरूप का दूसरा भजत माना जा सकता है। जो इनके जीव हैं ये सत्स्वरूप के दूसरे भजत में जा करके नूरी स्वरूप धारण करेंगे, यही उनका मूल मुकाम होगा, क्योंकि मूल अंग या के धाम में ना है। इन ब्रह्म सृष्टियों की तरह ईश्वरीय सृष्टि का मूल स्वरूप अक्षरधाम में नहीं है। फैल तीनों करत हैं, फैल तीनों करत है, ये तीनों की अपनी अपनी रहनी होती है, कौल फैल और हाल। कौल कहनी, फैल करनी और हाल रहनी। कहा जाता है तीनों सृष्टि के अंदर जीव है, ब्रह्म सृष्टि भी जीव के ऊपर बैठी है, ईश्वरीय सृष्टि भी जीव के ऊपर बैठी है, और ब्रह्म सृष्टि जीव तो जीव है ही है। तीनों के अंदर नारायण की चेतना का प्रतिभास स्वरूप जीव है, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टियाँ जो धनि से प्रेम करेगी जागृत होने के बाद, क्योंकि इनकी सुरता मूल तन परातम से आई है, परातम के अंदर अक्षरातीत के अष्टपहर 64 घड़ी परम धाम के 25 पक्षों की सारी शोभा है, उस लीला का संस्कार ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में है और उसका प्रतिबिंब इनकी सुरता है। तो जैसा बिंब में होगा वैसा ही प्रतिबिंब में होगा। तो इनके मूल तन परातम में धनी के प्रति जो एक निष्ठ प्रेम है, जो त्रिगुणातीत प्रेम है, वो ईश्वरीय सृष्टि के अंदर भी नहीं है और जीव सृष्टि के अंदर भी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर मैंने कहा कि परातम का प्रतिबिंब होने से परातम के प्रेम का प्रतिबिंब ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में है, इनकी सुरताओं के हृदय में भी है। जो चीज़ ईश्वरीय सृष्टि के हृदय में नहीं है और जो जीव सृष्टि के हृदय में नहीं है, जीव की तरफ से इन तीनों सृष्टि जो कुर्बानी करेगी वो बराबर होगी, लेकिन आत्मा के धरातल पर, निस्वत के धरातल पर जो ब्रह्म सृष्टियाँ प्रेम कर सकती हैं वो ईश्वरीय सृष्टि नहीं कर सकती और जीव सृष्टि नहीं कर सकती, इसीलिए इन तीनों की करनी अलग अलग बताई गई है। बीच जिमी नासूत, बीच जिमी नासूत, इस मृत्युलोक के अंदर तीनों सृष्टि अपने अपने संस्कार और अपने अपने संबंध के संस्कार के आधार पर ही धनी से प्रेम करती हैं। और गिरोह जबरूति, और जो जबरूति गिरोह है, अक्षर ब्रह्म की सुरता जो ईश्वरीय सृष्टि है,
आए लगी इन सोहबत। ब्रह्म सृष्टियों की देखा देखी इस तारतम वाणी को प्राप्त करके, ब्रह्म सृष्टियों की रहनी को पढ़ करके, सुन करके, देख करके, उसका अनुसरण करने की, उसकी प्रतिलिपि करने की कोशिश करेगी, उसका नकल करेगी, और जीव सृष्टि अपने जन्म जन्मों के संस्कार के आधार पर ही अपने धनी से प्रेम करती है। अंकुर न होने के कारण वो त्रिगुणात्मक प्रेम को ही सर्वोच्च प्रेम मानती है। हालांकि त्रिगुणात्मक प्रेम करने वाले इस दुनिया के अंदर भी मीराबाई, रसखान और सूरदास और कई सारे ऐसे धर्म धुरंधर हुए जिन्होंने बहुत त्याग किया। उनकी त्याग को देखा जाए तो हम उनके चरण धूलि के बराबर भी कहीं हमारे जीव का त्याग नज़र नहीं आता, लेकिन भावमूलक रूप से यहाँ ब्रह्म सृष्टियों के प्रेम को सर्वोच्च इसलिए कहा गया है। इनके अंदर क्या भाव होगा? किरंतन में एक चौपाई है, चेतो सवे सतबादियों सदगुरु मुखबान धनी मेरा प्रभु विश्व का। ब्रह्म सृष्टियाँ राज्य को अपना धनी मानती है और अंगना भाव से उनको रिझाती है। जीव सृष्टि हमेशा हाथ जोड़ती रहेगी, गिड़गिड़ाती रहेगी और अपने अंतस्करण के अंदर उभरने वाली चीज को, गुण अवगुणों को हमेशा सामने लाती रहेगी और उसका वास्ता देती रहेगी कि हमारे अंदर तो इतने अवगुण हैं, हमारे अंदर इतने पाप कर्म हैं, हमारे अंदर इस प्रकार की भावनाएं हैं जो ब्रह्म सृष्टियों के अंदर होती वो नहीं हो सकती, क्योंकि इनके अंदर मूल अंकुर न होने के कारण आत्मा का दावा पूर्ण रूप से नहीं हो सकता और कहीं ना कहीं वो अपने हृदय के जन्म जन्म के संस्कार उभर करके आते हैं जो इनके रास्ते में एक बाधक रूप में आ जाते हैं और वही धाम धनी के सामने कान पकड़ पकड़ कर गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर करता है कि हम तो ऐसे अपराधी हैं, हमारे अंदर इतने अवगुण हैं। ब्रह्म सृष्टियाँ इन सब गुण अवगुणों को तज करके, इससे परे हो करके, शरीर संसार मन अंतस्करणों से परे हो करके धनी के प्रेम में डूबती है तो आत्मा रूप में प्रतिष्ठित होती है, तो आत्मा के हृदय में उनको धनी का साक्षात्कार होता है, आत्मा के हृदय में उनको अपना निस्वत दिखता है, अपने निस्वत का प्रेम और सुख उनको वहाँ पर मिलता है। ये चीज़ ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि के अंदर नहीं होती। आए लगी इन सोबत, उनके देखा देखी में ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि भी उनका नक्शे कदम का अनुकरण करेगी। सो आई नूर अकल बीच, आखिर में जाकर के योग माया के ब्रह्मांड के आठ भजतों में ये अपने अपने करने के अनुसार अखंड मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो अक्षर की निस्बत, जो अक्षर की निस्बत, जिनका निस्बत संबंध अक्षर ब्रह्म से है, यानी जिन्होंने अपनी इच्छा से सुरता स्वरूप धारण किया है। और आम खलक जो तीसरी, और जो तीसरी आम खलक जिनको मल, जिनके पास वैकुंठ की बुद्धि है, यानी वैकुंठ ही जिनका धाम है और इनका मूल स्थान वहाँ है, यदि तारतम ज्ञान प्राप्त करके अक्षरतीत परब्रह्म के स्वरूप को जान जाएंगी तो ये भी धनिक का ईमान लेकर के जीव टल होसी आत्म। जीव किसके किसको कहते हैं? जो जन्मता है, मरता है, कर्मों का फल भोगता है, प्रकृति के बंधन में बंधा रहता है और उसके अंदर छह गुण होते हैं, पलक झपकना, देखना या पलकों को बंद करना, सांस लेना या देना और दुख सुख का अनुभव करना, जिनके अंदर ये छह गुण हैं ये जीव के लक्षण हैं। तो ये तो तीनों आत्मा के अंदर भी हैं, ईश्वरी के अंदर भी हैं और जीव के अंदर भी हैं, लेकिन इन तीनों के अंदर ये जीव रहता है तो जीव का ये लक्षण है जन्म मरण के चक्र में आना। लेकिन आत्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, ये कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन जब तारतम ज्ञान से धनी की पहचान हो जाती है, अक्षरतीत को ही अपना सर्वस्व मान करके रिझाने लगते हैं तो ये जीव भी आत्मा स्वरूप हो जाता है, प्रकृति के बंधन से परे होता है, उसको प्राकृतिक दुख सुख से परे होते हैं। प्राकृतिक दुख सुख और अखंड सुख में कितना अंतर है समझ लीजिए। जीव कर्म करता है, अच्छे कर्मों का फल भोगता है, फिर भी जन्म लेता है, किसी अच्छे घरानों में जन्म लेता है या कहीं भी चला जाता है। इस प्रकृति के अंदर जब तक रहेगा
प्राकृतिक सुख को भोगता रहेगा तो जन्म तो फिर भी लेना पड़ेगा, लेकिन जब ये आत्मा स्वरूप हो जाएगा तो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त होगा, योग माया के ब्रह्मांड में उभयस्थों में पहुंच जाएगा। वहां जाने के बाद इसको अच्छे बुरे कर्मों का सवाल नहीं होता, वहां ब्रह्म के चरण कमल की कृपा से उसके ज्ञान प्राप्त हो जाने से और ब्रह्म को उसने अपनी अंतरात्मा से स्वीकार किया, उसको धारण किया, इसलिए उसको अखंड मुक्ति मिल गई। तो इस मुक्ति में और स्वर्ग वैकुंठ की चार प्रकार की मुक्ति में अंतर है। जब तक स्वर्ग वैकुंठ में प्राप्त होने वाली चार प्रकार की मुक्तियों को जीव प्राप्त करता रहेगा तब तक वो जीव ही रहेगा, लेकिन जब ब्रह्म के शरण में आकर के प्रकृति से परे हो जाता है तो उस अवस्था में जीव आत्मा स्वरूप हो जाता है। इसको कहा जीव टल होसी आत्म। तब हरफ कर्म कांड के, अब हरफ कर्म कांड के हरफ जो बसरी सूरत मोहम्मद साहब ने बता दिए और उससे परे हकीकत की बातें मलकी सूरत ने ला करके प्रकट किया और हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी ने जो मारिफत की बातें जो उनके जुबान पर नहीं चढ़ी थी वो सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा और परमधाम की अष्टपहर की लीला और अक्षरातीत की शोभा का यहाँ वर्णन करके मारिफत के रहस्यों को उजागर किया। कहे 30,000 जो 30,000 शरीयत के थे, 30,000 हकीकत के थे और जो 30,000 मारिफत के थे जो श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से तारतम वाणी के रूप में जाहिर हुए। चढ़नासुत मलकुत, चढ़नासुत मलकुत छोड़ सुन ला मकान, नासुत मलकुत और शून्य ला मकान को पार करके अब धाम धनी सबकी सुरता को चौथे आसमान परम धाम तक पहुंचा रहे हैं। सेवा सिफत मोमिन की, इन ब्रह्म सृष्टियों ने जो सेवा की है उनकी सिफत उनकी महिमा इस संसार में नहीं हो सकती। पहुंचत है सब हक, ये जब हम मूल तन परातम में जागृत होंगे उस समय जागृत बुद्धि से ही हम समझ सकते हैं कि इस समय जो ब्रह्मात्माओं ने इस लीला को आगे बढ़ाया, इस ज्ञान को आगे बढ़ाया, इसके द्वारा सारा संसार को एक अखंड सुख मिलने का एक जरिया बना, इसकी सिफत तो तभी समझ में आ सकती है। इनकी सिफत सुख जी कहे, सुखदेव जी ने इन ब्रह्म सृष्टियों की सिफत कही है। और शास्त्रों वेद व्यास, और व्यास जी ने भी, वेद व्यास जी ने भी उन्होंने अपने शास्त्रों में अपने ग्रंथों में इन ब्रह्मात्माओं की महिमा गाई है। त्रिगुण अपने चित्त में, तीनों देवता अपने हृदय में इन ब्रह्मात्माओं की चरण रज की इच्छा रखते हैं। जिन महापुरुषों ने इस संसार में आकर के जिन ब्रह्मात्माओं की इतनी बड़ी महिमा गाई है वो इस संसार में आए तो उनकी चरण धूली हमें भी प्राप्त हो, जिससे सारा संसार भवसागर से पार हो जाएगा तो उस स्वरूप को हम भी जान जाएं और हम भी भवसागर से पार हो जाएं। अक्षर ठोर अखंड जो, जो अक्षर ब्रह्म का अपना निज स्थान है, अखंड अविनाशी स्थान अक्षरधाम है। जाके पल थे पैदा कई इंड, जिनकी इच्छा मात्र से एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिट जाते हैं। सो उपज फना हो जाते हैं, और उनके द्वारा बनाए हुए संपूर्ण कालमय का ब्रह्मांड ज्यों ही बनता है, उनके पांव पल में अनेकों ऐसे ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो जाते हैं। त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, और जब ये कालमय का ब्रह्मांड लय होगा तो इसमें ऐसे त्रिदेव और ऐसे असंख्य असंख्य चौदलोक मोहसागर में जाके समाहित हो जाते हैं और मोहसागर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ईश्वर महाविष्णु प्रकृति, और उस समय न तो ईश्वर न महाविष्णु, और जिस प्रकृति के अंदर हम चौदलोक के ब्रह्मांड को देख रहे हैं, जिस प्रकृति की सौंदर्यता को देख रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये ब्रह्मांड लय होगा तो कहाँ जाएगा, आखिर कोई चीज़ नष्ट होगा तो उसका कुछ न कुछ तो अवशेष बचता ही है। लकड़ी जला दी जाए तो राख बचती है, मिट्टी को धो दिया जाए तो पानी पानी में बह जाएगी,
फिर जा करके पानी अलग हो जाएगा, मिट्टी अलग हो जाएगी, लेकिन उसका कुछ धुमिलापन तो जरूर दिखता है, उसका अवशेष दिखता है। तो ये पूरा ब्रह्मांड अगर मिट जाएगा, इसका अवशेष क्या होगा, उसको इस प्रकार समझ सकते हैं। हम सपने में प्रवेश करते हैं, सपना नींद टूटने के बाद सारा सपना समाप्त हो जाता है, केवल हमारी नज़रों के दृष्टि में ही सारा सपना दिख रहा होता है, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जिस एक छोटे से 8 फुट के कमरे में सो करके हम पूरी दिल्ली को देख सकते हैं सपने में, तो जागृत हो जाने पर उस दिल्ली का अवशेष कहाँ चला जाएगा। इसी प्रकार से ये संपूर्ण कालमाया का ब्रह्मांड नश्वर होने के कारण, स्वप्निक होने के कारण नश्वर है, तो ये नष्ट होते इसका कोई अवशेष बचना भी कोई संभव नहीं है, इसीलिए इसको माया भी कहते हैं। जैसे कोई एक जादूगर खेल दिखाता है, तो खेल दिखाते दिखाते किसी चीज़ को बनाता है और मिटा देता है, उसका कोई अवशेष नहीं बचता वहाँ, वो केवल जादू के अंदर दिखाई देने वाली, उसकी केवल लोगों के नज़रों को भ्रम करने वाली लीला होती है। इसी प्रकार से ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी स्वप्निक होने के कारण जादूगर के द्वारा बनाई हुई दुनिया की तरह ही इसको उपमा दी जाती है। तहाँ पैदा फना होते है, और यहाँ बनना और मिटने का कार्य चलता है। ये जो 14 तबक, ये पूरा 14 लोकों का ब्रह्मांड, ये बनने और मिटने वाला है। जहाँ जबराइल राहत है, जहाँ जबराइल फरिश्ता रहता है, पहुँच ना सक्या हक, जबराइल फरिश्ता अक्षर के ये अंतस्करण में, अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण मन चित्त बुद्धि अहंकार अभ्याकृत सबली केवल और सत्स्वरूप, ये योग माया के 4 विभूति है। यहाँ तक ये जबराइल फरिश्ता पहुँचता है, और यहाँ से आगे तो जहाँ परब्रह्म का धाम है वहाँ ये जबराइल फरिश्ता भी नहीं पहुँच सकता। 3 हक का महबूब, और जिस अक्षरतीत के धाम में जबराइल फरिश्ता नहीं पहुँच सकता, उसका महबूब यानी प्यारा अक्षर की रूह को उनका प्यारा कहा गया। क्यों? क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने दर्शन करने के लिए अक्षर की रूह ने इस संसार से अपने कदम आगे बढ़ाए, इसीलिए अक्षर की रूह को या महबूब लिखा है। मोहम्मद अलैहू सलाम, और इनको मोहम्मद अलैहू सलाम कहते हैं। सो आया गिरोह वास्ते, ये गिरोहों के वास्ते अपनी ब्रह्म सृष्टियों को संदेशा देने के लिए इस संसार में आए। रसूल अपना नाम, और इन्होंने अपना नाम रसूल संदेश वाहक रखा, मैं खुदा का संदेश लेकर के आया हूँ। रब्बानी गिरोह रब से, और इन्होंने रब्बानी गिरोह रब से, इन्होंने जो खुदा अल्लाह का दर्शन किया और वहाँ से जो आयतें लेकर के आते थे, ये परब्रह्म की कृपा से ये जबराइल फरिश्ता लेकर के आया करता था। हुई जाहिर सब में, और इन्होंने इस ज्ञान को ला करके इस संसार में जाहिर किया। काढ़ा कुली दज्जाल, और जब इसके सारे रहस्य खुल गए, मायने खुल गए, काढ़ा कुली दज्जाल, कलयुग किसको कहते हैं? माया। माया यानी अज्ञानता, अज्ञानता को दूर करके ज्ञान को चारों तरफ फैला करके कलयुग को समाप्त किया। सब प्रकार की शर्तें, धामधनी ने जो शर्त किया था कि जाग्नि के ब्रह्मांड में मैं तुमसे किस समय कहाँ आकर के मिलूँगा और कौन कौन से जाग्नि लीला को कहाँ कहाँ संपादन करूँगा, ये सारा समय और ये सारी लीलाएँ यहाँ आकर के संपन्न हो रही हैं। मोमिन भये खुशहाल, सारी ब्रह्म सृष्टियाँ धामधनी के चरणों में पहुँच करके प्रसन्न हो रही हैं। तब शोर पड़ा आलम में, पूरी दुनिया में शोर पड़ गया है। दौड़ी सब खलक, सारी खलक जीव सृष्टि भी, ईश्वरीय सृष्टि भी ब्रह्म सृष्टियों के पीछे पीछे धनी के चरणों में आ रही है। खोले द्वार मार्फत के, और धाम धनी इनको मार्फत के दरवाजा खोल करके इनको परम धाम का अखंड नियामत दे रहे हैं। पाया सबों ने हक, पाया सबों ने हक, सबने एक परम सत्य को प्राप्त किया। एक पहले आए पहुँचे, एक पहले आए पहुँचे, ब्रह्म सृष्टियाँ सबसे पहले धनी के चरण में आएगी, उसके बाद देखा देखी में ईश्वरीय सृष्टि भी आएगी,
और जो तीसरी सफ ईश्वरी सृष्टि को, तीसरी सफ जीव सृष्टि को तीसरी पंक्ति वाला कहा गया है। पहली पंक्ति वाला सबसे पहले ईमान लाने वाली ब्रह्म सृष्टियाँ, दूसरी पंक्ति वाली ईश्वरी सृष्टि और तीसरी पंक्ति वाली जीव सृष्टि, इन तीनों सृष्टियों ने धनी के चरणों में आकर के अखंड नियामत को प्राप्त किया। सैया अपने महल में, अब ये जागृत होंगे तो ब्रह्म सृष्टियाँ अपने मूल तन परात्म मूल मिलाव में जागृत होंगी। ईश्वरीय सृष्टि दूसरे भविष्य में पहुँच जाएंगी। जीव सृष्टि अपने करनी के अनुसार धाम धनी की पहचान करके आठ भविष्यों में अखंड होंगी। पहुँचे नूर जमाल, धाम धनी के चरणों में पहुँचेंगे। महामति कहे ए मोमिनो, महामति जी कहते हैं कि ये सुंदर साथ जी, मैंने ये मंगलाचरण के कुछ चौपाइयाँ मैंने आपको श्रवण कराई, अब इसके उपरांत प्रथम प्रहर सवेरे 6 बजे से 9 बजे तक दिन का प्रथम प्रहर होता है। दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर होते हैं। कुल 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, 3 घंटों का 1 प्रहर। तो अब दिन का प्रथम प्रहर सवेरे 6 बजे से 9 बजे तक श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी में स्वयं धाम धनी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी विराजमान है। अब सुंदर साथ उनकी जो सेवा कर रहे हैं उस लीला का हम श्रवण करेंगे। सुंदर सेज स्वरूप की, श्री जी को बैठाने के लिए या कभी पौड़ते हैं या कभी चर्चा होती है, अलग अलग समय पर अलग अलग सेजियाएँ तैयार की जाती हैं। तो जिस पलंग पर श्री जी अभी शयन करते हैं उस सेजिया को तैयार करने के लिए सुंदर साथ ने अपनी नूरी नज़रों से, भले उनका शरीर नूरी नहीं है कालमाया का है, लेकिन उनके अंदर सुरता परातम की दृष्टि है। परातम की दृष्टि ही आत्मा है, तो आत्मा की दृष्टि भी तो नूरमयी है, वो कालमाया की तो नहीं है। इसीलिए उस नूरमयी दृष्टि में अपने धनी के लिए जो प्रेम छुपा हुआ है ब्रह्म सृष्टियाँ, उस नज़र की प्रेम को हृदय में लेकर के अपने धनी की सेवा करती है। तिनकी सिफत इन जुबान, उस सेवा की सिफत इस जुबान से नहीं की जा सकती। क्यों कर कहूँ जहूर, मैं किस प्रकार से इसका बखान करूँ। अत प्यारा लाल पलंग, श्री जी जिस पलंग पर विराजमान होते हैं वो अत्यंत प्यारा लाल रंग का पलंग है, पचरंगी पाटियों से बुना गया है। सुंदर साथ बहुत प्रेम प्रीति दिल में लेकर के जिस भाव से सिरदार सुंदर साथ सेवा करते हैं, सुंदर साथ को सब धनी के चरणों में आने के बाद एक खिताब मिलती है कि सुंदर साथ हैं। फिर यह सिरदार शब्द क्यों प्रयोग हुआ, जो सेवा में जो पहचान में जो धनी के प्रेम में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है वो सिरदार होता है। तो जिन्होंने धनी की पहचान की और सेवा में सबसे पहले आगे कदम बढ़ाया तो वो सिरदार हुए, उनको ये शोभा प्राप्त हुई और उन्होंने ही ये सेवा करी है। सेज तलाई कोमल, सेजिया तलाई, तलाई मतलब जो नीचे बिछाया जाता है, सेजिया के ऊपर जो बिछाई जाने वाली तलाई है वो बहुत अधिक कोमल है। मिही चादर धरी नरम, उस पर बहुत कोमल और बारीक नरम चादर बिछाई गई है। सिराने गाल मुसरिये, श्री जी के लिए सिराना तकिया है और गाल मसूरिये यानी गाल के ऊपर रखने वाला एक पतला सा तकिया होता है उसको गाल मसूरे कहते हैं। ए जाने सैया दिल मरम, जिन सुंदर साथ ने इस सेवा के भाव को सोचा समझा और किया है उनके दिल के मर्म को सेवा की ये सामग्रियाँ यहाँ दर्शा रही है कि सुंदर साथ के दिल में क्या भाव होते थे। चारों पाए सेज बंद, श्री जी की सेजिया तैयार की जाती है तो उसके चारों पाए में ऊपर जो चादर बिछाई गई है चादर के चारों कोने उन उसके चारों पायों से बांध करके तान दिया जाता है। बांधे सनंद कर अत, बहुत प्रेम पूर्वक बहुत तरीके से उसको बांध दिया जाता है। लटके फुमक रेशमी, और चारों तरफ उसमें रेशमी फुमकें लटक रही हैं।
पच रंग तरंग झलक, चारों तरफ पांच रंगों के झालर झलक रहे हैं। चादर रजाई ओढ़ने, और जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं ओढ़ने के लिए चादर और रजाइयां रखी जाती हैं। रोत समय सेवा होए, पर्दे झालर झलकत लवाज में नहीं सुमार, उसमें जो पर्दे हैं झालर हैं और उसकी जो सामग्रियां हैं अनेक प्रकार की हैं। कोई दिन ये पलंग उठाने और बिछाने की सेवा नारायण दास की होती है, और उसके बाद और भी कई सारे मथुरा हैं, गंगाराम है, परमानंद इस सेवा में शामिल रहते हैं। ये साक्षात मेरे धाम के धनी हैं ऐसा समझ करके ये सेवा करते हैं। श्याम जी कुछ दिन तक इस सेवा में शामिल रहते हैं, ये भी अपने को मैं एक धाम धनी की अर्धांगिनी हूँ ये दिल में भाव लेकर के सेवा करते हैं। माणिक सेवे स्नेह सो, और माणिक भाई हमेशा बहुत स्नेह के साथ प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। सब सेवा में खबरदार, हर सेवा में ये तैनात रहते हैं। हजूर हाजिर रात दिन, हर समय श्री जी के चरणों में हाजिर रहते हैं। सब सेवा में सिरदार, ये सभी प्रकार की सेवाओं में प्रमुख रूप से सेवा की भूमिका निभाते हैं। छबीला जो सेवा करे, छबील दास जी ये जमुना बाई के बेटे हैं। जमुना बाई ये बिहारी जी की, उनके घर परिवार की बेटी है, लेकिन बिहारी जी को उन्होंने तब से ही छोड़ दिया कि धाम धनी सदगुरु देवचंद जी तो महामती जी के हृदय में विराजमान है, मिराज जी के अंदर विराजमान है। ये पहचान करके जब से ही उनके साथ आई और पन्नाजी में पहुँचते पहुँचते उनके बेटे का नाम छविलदास है, ये सेवा योग्य हो जाते हैं। और हर हमेशा पानी जल पिलाने की सेवा छविलदास की होती है, करते रहते हैं। जो पहले करी जमुना, ये जमुना जी ने ये सेवा की है, बाद में इन्होंने अपना पुत्र समझ करके ये छविलदास जी को सेवा दी। जल अरुगावे छविलदास, और ये जल अरुगाने की सेवा छविलदास की है। पिछली रात रहे घड़ी दो, ये जब रात्रि की दो घड़ी बाकी रह जाती है तब ये सवेरे सवेरे श्री जी को जल अरुगाने के लिए लोटा भर ले आते हैं। पाँव दाबन प्रात को, सवेरे सवेरे उठ करके श्री जी के पाँव दाबने की सेवा ये अगरदास जी और गुलजी भाई हैं, ये दोनों सेवा करते हैं। कभू कभू मावजी, कभी कभी ये मावजी भाई, मावजी भाई का प्रसंग आपने अवासी बंदर में सुना होगा, ये वही मावजी भाई हैं जिनको जागृत करने के लिए धाम जबराइल फरिश्ता रात को ही जाकर के उसको एक थप्पड़ क्या लगाया था, उसकी आत्मा ऐसी जागृत हो गई घर द्वार सब कुछ छोड़ करके परनाजी तक पहुँचे। और सेवा में आवत, और सुंदर साथ कई अपनी अपनी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। रामबाई दबावत, और रामबाई भी कभी पांव दाबने की सेवा करती हैं। कोई दिन खेमदास, और कई कई बार ये खेमदास जी आते हैं। पीछे रात जादी आवत, पीछे रात जादी आवत, और बाद में ये जादी सुंदर सात का एक नाम होता है, वो भी ये पांव दाबने की सेवा करती हैं। उठत पियू पलंग से, जब धाम धनी पलंग से उठते हैं। बखत अरुण उदय, अरुण उदय का समय हुआ, सवेरे प्रातः काल का 6 बजे का समय हुआ। सब हजूरी हाजिर रहें, सभी सेवा में उपस्थित होने वाले सुंदर सात वहाँ श्री जी के हाजिर में रहते हैं। सवेरे सवेरे जब श्री जी उठते हैं, सर्दियों का समय होता है, तो अंगीठी भर करके तपाने के लिए लाई जाती है, ये बिहारी दास जी की सेवा होती है। रुमाल रतन बाई का, और रतन बाई ये रुमाल गर्म पानी में रुमाल भिगो करके कभी हाथ मुख पांव इत्यादि पोंछने की ज़रूरत होती है तो ये सारा कार्य करती हैं ये रतन बाई। भिजाई ताते जल, गरम जल से उस रुमाल को भिगो करके हाथ मुंह इत्यादि पोछने का कार्य होता है। धनजी और ताराबाई, धनजी और ताराबाई कन्नड़ गंगाराम ये सवेरे उठ करके श्री जी के चारों तरफ बैठ जाते हैं, उनकी पलंग के चारों तरफ, और ये भाव लेकर के कि जैसे धाम धनी पांचवें भूम रंग पर वाली मंदिर से उठ करके आते हैं और तीसरी भूम की पड़साल में विराजमान होते हैं,
परमधाम की लीला तो यहाँ से शुरू होती है, तो यही धाम के धनी हमारे सामने आज विराजमान है, तो वही भाव लेकर के श्री जी पलंग में उठ करके विराजते हैं। तो ये सुंदर सात उठ करके तीजी भोम की जो पड़साल ठौर बड़े दरवाजे विशाल, इन चौपाइयों का यहाँ गायन करते हैं। पहले प्रेम दास करी, और ये सेवा पहले प्रेम दास की थी, भी रामचंद्र नंद राम, और रामचंद्र और गंगाराम ने ये सेवा की, आखिर में बल्लभ दास जी ने ये सेवा की। वस्त्र पहनाए के ठा काम, और ये वस्त्र पहनाने इत्यादि की सेवा होती है। बल्लभ दास जी की एक विशेष सेवा होती है कि श्री जी की जो खड़ाऊ होती है ये हमेशा अपनी झोली में रखते हैं, जहाँ श्री जी को उठ करके चलने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं जाने आने की आवश्यकता होती है, तो अपनी झोली से निकाल करके श्री जी के सामने सेवा में प्रस्तुत करते हैं। बिहारी दास सेवा करी, बिहारी दास ये अंगेठी तपाने की सेवा करते हैं, रात प्रात तपावत, और सांस सवेरे जब जब जरूरत पड़ती है ये अपनी सेवा करते हैं। वस्त्र ताजे अंग पर, और ये गरम गरम कपड़ा तैयार करके अंगेठी में तपा करके जो पहराने के कपड़े होते हैं उनको भी तपाए जाते हैं, और सेजिया हैं उनके ऊपर भी अंगेठी किसी एक बड़ी परात थाली के ऊपर रख करके उन वस्त्रों को भी गर्म किया जाता है। पहले चरना पहर के, अब श्री जी को सबसे पहले वस्त्र इत्यादि पहनाते हैं, तो सिर पर चरना नरम कपड़ा इत्यादि पहनाई जाती है, उसके ऊपर कंठपी, और समय के अनुसार कभी शॉल, कभी गर्मियों के समय में पतला एक जो कुर्ती टाइप का होता है ऐसा पहनाया जाता है। पहले मोजे पहनावत, और श्री जी को सर्दियों के समय में पाँव में मोजे पहनाए जाते हैं। प्रेमदास चित लाए, ये प्रेमदास जी की सेवा होती है, बहुत ही ध्यान पूर्वक चित दे करके करते हैं। पीछे वल्लभ दास ने, और बाद में ये वल्लभ दास जी की पास ये सेवा आती है। कबहो पहने कुर्ती, कभी कभी कुर्ती पहनते हैं। लालबाई कस बांधत, अब कस बांधने की सेवा लालबाई करती हैं। मकरंदास रहे भेले, और मुकुंददास जी उनके साथ रहते हैं लालदास के बदले। अब जब कभी लालदास जी नहीं होते तो लालबाई जी ये अपना अधिकार समझ करके कि ये लालबाई उनकी धर्मपत्नी है, तो लालदास जी नहीं होते तो उस सेवा को भी वो निभाती है। सेवा में रहे ये हर समय सेवा में तत्पर रहती हैं। जब पहुँचे इत महाराज, महाराजा छत्रसाल जी जब सवेरे के समय पहुँचते हैं तो श्री जी को वस्त्र पहनाने की सेवा वो अपने हाथों से करते हैं। वल्लभ जीवी प्रेमबाई, वल्लभ जीवी प्रेमबाई ये जब श्री जी देह क्रिया के लिए जाते हैं तो उस समय सेठ खान के ऊपर, सेठ खान यानी जैसे आजकल की भाषा में हम बाथरूम शब्द प्रयोग करते हैं, देह क्रिया के लिए जब जाते हैं तो उस समय में ये कोई पक्का हुआ नहीं करता था, चारों तरफ छोटी छोटी झोपड़ियाँ हुआ करती थी, तो ऊपर खुले आसमान पर कभी शौच इत्यादि नहीं करनी चाहिए, इसीलिए ऊपर चंद्रमा के रूप में कपड़ा तान दिया जाता है। ये सुंदर सात सभी पारी पारी से सेवा लेकर के कर लिया करते हैं। चरणदासी पनही, और चरणदासी ये श्री जी की पनही चरण पादुका को अपने पास रखते हैं, पहले ये नारायण दास जी रखा करते थे, बाद में फिर ये खिमाई ने अपने पास लिया, धाम धनी ने रिज करके इस सेवा को वल्लभ दास जी को दिया। पावड़े बिछावत बकाई, बकाई और किसनी ये मिल करके पावड़े बिछाते हैं, इनकी पावड़े के ऊपर श्री जी चलते हैं, लटकनी मटकनी चाल भर से चलते हैं, लोटा भर के लाने जल लाने की सेवा, हाथ पांव धुलाने की सेवा ये शिवराम भाई की होती है। सेवा डब्बा रुमाल की, और रुमाल के डब्बे साथ में रखे जाते हैं, और साथ जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तक ये सेवा में हाजिर किया जाता है। लाल भाई धरे इत पलास के वृक्ष तले,
जब श्री जी चले जाते हैं तो एक वहाँ बंगला जी के पास में एक पलाश का बड़ा वृक्ष होता है, उस पलाश के वृक्ष के नीचे देवकी और हरनंदन इनकी झोपड़ी होती है। ये हमेशा सुंदर साथ के आते जाते, कभी हाथ पांव धोने के लिए, दातुन इत्यादि करने के लिए, कूला करने के लिए, सुंदर साथ के लिए बड़े बड़े मटकों में गर्म जल करके उनके लिए व्यवस्था करते हैं। कोई दिन सेवा करी, कुछ दिनों तक गुल मोहम्मद ने और दौलत खान ने ये सेवा की। सूरजमुखी लिए खड़ा, श्री जी चलते हैं तो हाथ में सूरजमुखी लेकर के खड़े रहते हैं और उनके आगे आगे चलते हैं। कुछ दिन तक शेख बदल ने ये सेवा की। ओमाला प्रभावती, अमोला और प्रभावती सवेरे उठ करके मोरछल डोलाने का कार्य करती है। करत ऊपर राज के, ये श्री जी के ऊपर मोरछल डोलाने का कार्य करती है। जब श्री जी आकर के तखत पर विराजमान होते हैं, केशव दास जी और शंकर हजूरी नंदराम जी ये हर हमेशा श्री जी के परछाई की भांति साथ में रहते हैं और ये हाथ में मोरछल लिए हमेशा ही एक चंवर करते रहते हैं। छत्र सिर पर फेरत, और छत्र हाथ में छत्र लेकर के श्री जी के ऊपर, छत्र जब कभी धूप होती है, बरसात होती है तो उस समय छत्र लेकर के चलने की सेवा होती है। हरवंश के घर से फिरे, जब हरवंश के घर से वापस लौट करके बंगला जी आते हैं, चले पावड़े पर श्री जी के लिए पावड़ा बिछाया जाता है और उस पावड़े पर चल करके श्री जी बंगला जी आते हैं। हंसे हंसावे साथ को, और सभी सुंदर साथ को श्री जी हंसते, खुद हंसते हैं, प्रसन्न रहते हैं और सुंदर साथ को भी हंसाते रहते हैं। पहुँचावे मानिक गादी पर, और माणिक भाई श्री जी को इस प्रकार से हाथ पकड़ करके ला करके बंगला जी में गादी पर बैठाते हैं। एक बिछावे धनबाई, और धनबाई जी ये सेवा करती है। एक बिछावे घनश्याम, और घनश्याम जी भी ये अपने अपने घर में गादी बिछाते हैं। आते जाते श्री जी को कभी कहते हैं कि हमारे यहाँ थोड़ी देर आप विराज जाइए, इस इन आसन पर थोड़ी देर बैठ करके हमारी भी कुछ सेवा हो जाए। ये भाव सुंदर साथ के होते हैं तो अपने अपने घरों के बाहर गादी बिछा दी जाती है तो श्री जी थोड़ी देर उस पर बैठ जाते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। हिम्मत जब आया, हिम्मत जब आते हैं सेवा में, ये पावड़े बिछाने की ये सेवा ये करते हैं, उसके बाद में ये लालबाई ने किया। हाथ पकड़ करके श्री जी को जब पहुँचते हैं तो राम कुंवर ये बैठाने का कार्य करते हैं। जब श्री जी वहाँ पहुँचते हैं, चरण धुलाने की सेवा होती है, श्री जी कुर्सी या पलंग के ऊपर बैठते हैं, सुंदर साथ उनके चरण धोते हैं। चिलमची हाथ में, चिलमची हाथ में लेकर के, चिलमची कहते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालने वाला एक बर्तन होता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना पानी गिर जाए, ऐसा बर्तन हाथ में लेकर के श्री जी के हाथ पांव में पानी गिराया जाता है। नंदराम पकड़ बैठत, ये नंदराम हमेशा पकड़े रहते हैं अपने। श्री राज हाथ पखालत, श्री जी अपना हाथ धोते हैं। शंकर बाटत चरणामृत, और शंकर हजूरी जो हमेशा श्री जी के पास में खड़े ही रहते हैं, वो चरणामृत चारों तरफ सब सुंदर साथ को चरणामृत देते हैं। श्री राज स्नान करके, अब श्री जी का सवेरे स्नान होता है, स्नान करने के बाद तिलक चंदन का समीर मिलाए, श्री जी को तिलक चंदन इत्यादि से श्रृंगार किया जाता है। तहाँ से आए तखत पर, श्री जी अब यहाँ से आकर के तखत पर विराजमान हो गए। धरे दो कदम, धरे दो कदम, श्री जी तखत पर विराजमान हो जाते हैं और श्री जी के दोनों पांव यानी दोनों चरण कमल तखत पर
विराजमान हो जाते हैं। फुलमा बनावत भर ल्यावत डब्बी। फुलमा यानी कुछ सुगंधित पदार्थ होते हैं, कभी कभी मुंह में डाले जाते हैं। सुगंधित पदार्थ जैसे मुखवास के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बना करके सुंदर साथ रखते हैं। जब जब जरूरत पड़ती है तो श्री जी के सामने सेवा में हाजिर किया जाता है। नूर मोहम्मद सेवत है, ये इनकी सेवा होती है। नूर मोहम्मद ये फुलमा इत्यादि बनाने की और अपने पास रखने की सेवा करते हैं। गुल मोहम्मद को दी, बाद में इन्होंने ये सेवा गुल मोहम्मद को दिया। रूपाबाई को रिझके, और उसके बाद श्री जी ने ये सेवा रूपाबाई को दी। उनकी सेवा से रिझ करके ये नित्य प्रति हरड़े अरुगाने की सेवा करती है। जैसे शाम सवेरे हम त्रिफला का सेवन करते हैं, उससे पेट शुद्ध रहता है, तो यहाँ सवेरे हरड़े को रखने की और ज़रूरत पड़ने पर उसको सवेरे सवेरे लिया जाता है, ये सेवा रतनबाई की होती है। आए मुकुंदास हाजिर, अब इस समय मुकुंदास जी सेवा में हाजिर हुए हैं। चीरा बंधावे चौप दे चीत, और श्री जी के सिर पर चीरा बंधाने की सेवा। चीरा मतलब पाग, जैसे परमधाम में श्री राज जी का श्रृंगार होता है, वही दिल में भाव लेकर के कोई सुंदर सा चीरा हाथ में लिया हुआ, उसकी एक छोर को पकड़े दूसरा सुंदर साथ खड़ा है। अगरदास जी हाथ में शीशा लेकर के दर्पण दिखाते रहते हैं, और जैसे परमधाम का श्रृंगार होता है, वही भाव लेकर के यहाँ श्री जी की सेवा हो रही है। अगरदास ठाड़ा रहे, नित्य लावे दर्पण को, ये अगरदास जी नित्य प्रति हाथ में दर्पण लेकर के खड़े रहते हैं। सिर पेच बखत हाजिर, जब सिर में पगड़ी बांधी जाती है तब ये दर्पण दिखाते रहते हैं। चंद्रिका लटके सिर पर, चंद्रिका लटके श्री जी के सिर पर चंद्रिका लटक रही है। हीरा ज्योत अपार, और चंद्रिका में हीरा ज्योत अपार अनेक हीरे जड़े हुए हैं, जिसकी ज्योति चारों तरफ फैल रही है। बैठत चीरा बांध के, श्री जी जब सिर में पाग बांध करके आसन पर विराजमान हुए, उका भाई कलंगी लेकर के आते हैं और अपने हाथों से श्री जी की पाग के ऊपर कलंगी पहनाने की सेवा करते हैं। रामदास जी और धर्माबाई ढोला ये फूल हार बना बना करके उस समय लाने की सेवा करती है। जैसे ही ये सेवा वहाँ पहुँचाई जाती है, ललिता सखी राजा राम झांझन भाई की बेटी, ये मेरते के अग्रवाल परिवार की है, तो ये यहाँ खमा खमा करके आवाज़ लगाती है। यानी यदि सुंदर साथ से कोई सेवा में गलती हो जाए तो धामधनी इनके ऊपर क्षमा करिए और अपनी मेहर बनाए रखिए। सुमरी कपूर की, सुमरनी कपूर की एक छोटी सी सुमरनी माला होती है, वो श्री जी अपने हाथ में रखते हैं। लाए के देवे हाथ, उस समय श्री जी को हाथ में, श्री जी के हाथ में दी जाती है, और उसमें एक छोटी सी थैली होती है, उसमें कुछ और मालाएं होती हैं, और श्री जी की जो गोदड़ी होती है विशेष रूप से श्री जी को दी जाती है। सुई तंगा कोकड़ी, सुई तागे और कोकड़ी और छोटे मोटे कई सारे सामान होते हैं, अजवाइन है, सौंठ है, पीपर है, मसाला है, और कई सुगंधित पदार्थ इत्यादि ये रखे रहते हैं। मायाराम जी उनके पास एक 36 पकेट वाली झोली होती है, उस झोली को हमेशा अपने साथ रखते हैं, जब जब जरूरत पड़ती है वहाँ से निकाल निकाल करके सेवा में प्रस्तुत करते हैं। भूकन श्री बाईजी लावत, बाईजूराज जी तेज कुंवर जी इस समय श्री जी को आभूषण पहनाने के लिए कोठा मंदिर, आप जो परना जी गए हैं जो सुंदर साथ, कोठा मंदिर आज उसको भी एक छोटा सा मंदिर का रूप दे दिया गया है, आजकल वहाँ बीतक चर्चा भी होती है। ये महारानी जी का कोठा मंदिर यानी उनका रहने का निजी निवास हुआ करता था, वहाँ से श्री जी को पहनाने के लिए आभूषण भेज देती है। उमंग में दे चीत,
हृदय में बहुत उमंग लेकर के, बहुत चित्त देकर के श्री जी के आभूषण लेकर के श्रृंगार कराने के वास्ते उपस्थित हुई। ये जो गोदावरी रुक्मणी, उनके साथ गोदावरी जी और रुक्मणी साथ में रहती हैं। संग आवत ईत, उनके साथ सेवा में साथ साथ आती हैं। रखे भी रूपे की, एक बहुत बड़ी चांदी की थाली है, उसमें सब प्रकार के आभूषण रखे जाते हैं, ऊपर से रुमाल से ढांप करके लाते हैं। जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, श्री जी इन आभूषण श्री जी को ये अपने हाथों से पहनाते हैं। माला दो मोतिन की, दो मोतियों की माला है, जो जिसके किनारे पर स्वर्ण जड़े होते हैं, कंचन आदि जड़े होते हैं, सोने की जो सांकली है, उन सांकल में यानी चेन, आज की भाषा में कहा जाए तो चेन, उसमें दुगदुगियाँ जड़ी रहती है। दुगदुगी मतलब जो सामने पहनने के जो उसमें लकेट होते हैं, इसको दुगदुगी कहा जाता है, नग जड़े रहते हैं। माला दो मोतिन की, दो मोतियों की माला है, जड़ाओ मुंदरी कंचन, उसमें कंचन की मुद्रिकाएँ जड़ी हुई है, सोने की दो सकली, दो सोने की चेन है, दुगदुगी माणिक रोशन, उसमें माणिक के लाल रंग की दुगदुगी लकेट झलक रही है, और कंठी मोतिन की, और कई मोतियों की कंठी है, माणिक उसमें माणिक लटके रहते हैं, धाम धनी अपने गले में इसको धारण करते हैं, हर हमेशा ये झलकती रहती है। आईजी अरुगाव ने, और इस समय आईजी, आईजी कहते हैं तेज कुंवरी जी की माता को आईजी कहा गया है, ये भाव नहीं रखती कि ये मेरे दामाद जी हैं। जिस प्रकार से सभी सुंदर साथ ने श्री जी को एक धाम धनी के रूप में सेवा कर रहे हैं, वो भी सोचती हैं मैं भी एक परम धाम की आत्मा हूँ, और मेरे धाम धनी महामती के हृदय में विराजमान होकर के स्वयं अक्षरतीत का स्वरूप धारण करके लीला कर रही हैं, तो मैं भी इनको उसी प्रकार से रिझाऊँ जैसे अन्य सुंदर साथ रिझाया करता है। लाई बाल भोग, बाल भोग सवेरे प्रातराश के लिए जो नाश्ता किया जाता है उसको बाल भोग कहते हैं, श्री जी को बाल भोग अरुगाने के लिए ले आती हैं। रतनबाई मूंग लाई, रतनबाई की सेवा, ये मूंग को भिगो करके उसमें अंकुरित करके थोड़ा तल करके हल्के घी में तल करके लाती हैं। आए पहुँची संजोग, ये सवेरे नाश्ता कराने के समय में आती हैं। ले ले दौड़े और कोई, और सभी सुंदर साथ अपनी अपनी झोंपड़ियों में से जिनकी जैसी सेवा होती है ले ले करके उनके पास आते हैं, और अपने भाव के अनुसार श्री जी के सवेरे का जो नाश्ता होता है उसमें हाजिर किया जाता है। सो कहते कहूँ बात, उसको मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। इन समय छबील दास, छबील दास जी इस समय जल भर करके लोटा ले आते हैं। जब भी सवेरे शाम दोपहर भोजन का समय होता है, ये छबील दास जी पानी पिलाने की सेवा करते रहते हैं। बात पूछे कोई बीच में, अब बीच बीच में यदि कोई बात श्री जी पूछते हैं, ताको दे उत्तर, और उसको बहुत प्रेम पूर्वक, यदि कोई सुंदर साथ श्री जी से कुछ पूछता है तो बहुत प्रेम से उसका उत्तर देते हैं। आसबाई अर्ज करे, आसबाई लालदास जी इस समय श्री जी के सामने आकर के हाथ जोड़ करके धाम धनी से प्रार्थना करते हैं। पधारो घर मानिक, उसके बाद जब जब देह क्रिया की आवश्यकता पड़ती है मानक भाई के घर पधारते हैं, और वहाँ जाकर के अपनी देह क्रिया से निवृत्त होने के बाद फिर बंगला जी में वापस लौट करके आते हैं। बीच में कई सारे सुंदर साथ होते हैं जो पांवड़े बिछाने की सेवा होती है, पांवड़े वो अपने पास रखे रहते हैं और जब जब ज़रूरत पड़ती है बिछाते हैं, फिर श्री जी के लौट के आने के बाद साथ साथ उठाते रहते हैं। उठत पलंग पर से, जब श्री जी पलंग से उठ गए, धनवाई लेवे हाथ, धनवाई कभी कभी श्री जी का हाथ पकड़ के उठाने की सेवा करती है, क्योंकि अब श्री जी नौतनपुरी से चले हजारों किलोमीटर पैदल चल करके, कभी उनको रहने के लिए छत
की व्यवस्था हुई होगी नहीं हुई होगी, पेड़ों के नीचे रहे होंगे। 500 की जमात तो सूरत से चलते ही हो गए थे, ऐसा तो नहीं होगा कि श्री जी कहीं जा कर के बढ़िया कमरे में सो जाते होंगे, सुंदर साथ को बाहर ही छोड़ देते होंगे। इतने सुंदर साथ को रुकाने के लिए सबके पास हवेलियाँ तो होती नहीं थी। सर्दियों में क्या करते होंगे, बरसात होती होगी तो क्या करते होंगे। हमें बीतक सुनने में बड़ा आसान लगता है। यदि हम सावन के महीने में एक महीने कोई जागनी यात्रा करने के लिए हम निकलें और हम जाकर के सुंदर साथ के घरों में रह करके भी जागनी कार्य करें तो हमें कितनी दिक्कत होगी और उन सुंदर साथ को कितनी दिक्कत होगी। उस समय तो कहीं सुंदर साथ होता नहीं था कि श्री जी कहीं चले जाते, सुंदर साथ के घर रुकते। उन सुंदर साथ ने इस प्रकार से सूरत से चल करके परनाजी तक पहुँचे और परनाजी पहुँच करके भी अपने रहने की व्यवस्था खुद की और 1740-29 में तो सूरत से चले और 39-10 वर्षों तक ये खुले आसमान के नीचे ही इन सुंदर साथ ने बिताई, सर्दी गर्मी देखी। श्री जी का वो शरीर है, उन्होंने ये सर्दी धूप शीत बरसात सहन करके इन हजारों किलोमीटर को अपने पैदल चल करके जो पटना जी पहुँचे हैं तो उनका शरीर भी तो कितना थका मादा होगा। तो सुंदर साथ इसको ध्यान में रखते हुए जब जब अवसर मिलता है उनको हर तरह से सेवा पहुँचा करके सुख देने की इच्छा करता है। दूजी तरफ लालदास, और दूसरी तरफ लालदास जी सेवा को करते हैं। सेवा हाथ पकड़े खास, जोड़े मंदिर गंगादास का, और गंगादास जी का भी अपना निवास पास में होता है। तहां बिछौने सब साज, वहां बिछौना बिछा दिया जाता है। तहां राज विराजत, धाम धनी जब वहाँ से लौट करके आते हैं तो इनके घर में भी थोड़ी देर अपने चरण कमल रख देते हैं। सब पूरे मनोरथ काज, वो सोचते हैं कि धाम धनी के चरण कमल हमारी ये झोपड़ी में पड़ गए, आज हम धन धन हो गए। मोदी बड़ा मूलचंद, एक मोदी बड़ा बूलचंद, एक बहुत बुजुर्ग सुंदर साथ होते हैं, इनका नाम बूलचंद होता है। ये श्री जी कहीं चले जाते हैं तो सबसे आगे आगे रहते हैं और जिसके घर में जिसके द्वार में पहुंचते हैं, श्री जी को जहां बुलाया होता है तो वहां पहले पहुंच करके जयकारा लगाते हैं। क्या बोलते हैं कि धाम धनी की जय, ताकि अंदर बैठे सुंदर साथ को पता चल गए कि श्री जी का आगमन हुआ है। वैसे तो सुंदर साथ पहले से ही श्री जी की इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन एक शोभा होती है, सुंदर साथ इस कार्य को करते हैं। सोचते हैं कि मैं एक बुजुर्ग हो चुका हूँ, मेरे से कुछ और सेवा नहीं होती, तो ये संदेशा देने का कार्य ही मैं करूँ। जब श्री जी निकलते हैं तो आगे आगे जयकारे लगाते हुए चलते हैं। गौरबाई राहत है, गौरबाई साथ में रहती है। हाथ उठाने सेवा में, जब उठने का समय होता है तो हाथ पकड़ने की सेवा करती है। हाथ पकड़ बैठावत, और बैठाते हैं तो हाथ पकड़ करके बैठाते हैं। करे सेवा खुशहाली में, इस प्रकार से ये बहुत प्रसन्न होकर के ये सेवा करती हैं। शामिल वल्लभ दास के, और वल्लभ दास जी के साथ में खुशहाल बख्तवार, खुशहाल और बख्तावर साथ में रहते हैं। ये हर हमेशा श्री जी की सेवा में बहुत चित्त लगा करके इस सेवा का अंजाम देते हैं। वल्लभ दास के शामिल, वल्लभ दास जी के साथ ये मोहम्मद खान रहते हैं, सेवा में हर जगह भागा दौड़ करके सेवा करते हैं और इनके दीवा दिल में धनी के प्रति बहुत पक्का अटूट ईमान लिए रहते हैं। लटके मटके चलत, श्री जी जब चलते हैं तो लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं, सुंदर साथ देख करके प्रसन्न होता है उनकी चाल को। फिर बैठे पलंग आए, श्री जी अब बंगला जी में आकर के पलंग पर विराजमान हो जाते हैं। समय मुरलीधर आसन किया, सामने मुरलीधर आसन करके बैठ जाते हैं। जब मुरलीधर बैठते हैं तो इनका नाम आता है, एक पत्थर की मूर्ति की भांति कभी इनकी आँखों की पलकें झपकती नहीं, बैठ करके इतना ध्यान से सुनते हैं कि हर समय जब आसन लगा करके बैठ करके चर्चा सुनने का समय होता है तो मुरलीधर जी का नाम अवश्य आता है।
ऊपर पहर दिन के। अब एक प्रहर दिन पूरा हो जाता है, सवेरे 9 बजे का समय होता है। 9 बजे के बाद श्री जी अपूर्ण रूप से तैयार होकर के तख्त पर विराजमान होते हैं और यहाँ चर्चा होती है। जैसे जैसे श्री जी के समय में होता था वो सारी आज परनाजी में जा कर के देखेंगे, वो दिनचर्याएँ आज भी देखने को मिलेगी। बाइयाँ जब बाणी गाती हैं तो बाइयाँ आकर के बैठती हैं, कुछ पारी वाले बोलते हैं उनको, बाणी गाती हैं, गायन करती हैं। जब श्री जी चर्चा करते थे उस समय मजलिस होती है, सवेरे भी मजलिस लगती है और रात्रि को भी मजलिस लगती है। महामति कहे सुनो साथ जी, लालदास जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, ये मैंने प्रथम प्रहर का प्रसंग आपको सुनाया, अब दूसरे प्रहर के बीतक आप श्रवण करें। ए पहर एक की बिरत, ये प्रथम प्रहर की बीतक है, अब इसके उपरांत दूसरा प्रहर शुरू होता है। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक इसमें श्री जी बैठ करके ब्रह्मवाणी की चर्चा होती है और सुंदर सात सामने बैठ करके दो पंक्ति में होकर के एक तरफ बाई सुंदर सात, एक तरफ पुरुष सुंदर सात बैठ करके चर्चा करते हैं। अब ये प्रसंग यहाँ से प्रारंभ होता है। अब कहो दूसरे पहर की। दूसरे पहर में जब सेवा का समय होता है तो पलंग बिछा दिया जाता है। पलंग के दोनों तरफ केशवदास जी और लालदास जी कुछ वेद पक्ष, कते पक्ष, दोनों पक्ष को लेकर के बैठ जाते हैं। श्री जी आप स्वयं बीच में विराजमान हैं और दोनों पक्ष का एकीकरण करके श्री जी चर्चा करके सुनाते हैं। चौपाई कहती है, धनी धाम के देत हैं, ये साक्षात वही धाम के धनी हैं जिनके साथ हमने मोल मिलाव में प्रेम का संवाद किया। निज धाम के निशान, ये परम धाम के सारे निशान 25 पक्षों का वर्णन करके सुनाते हैं। लेवे मोमिन मिलके, सभी ब्रह्मात्माएं मिल करके इसका आनंद ले रहे हैं। अरस सुख सुभान, धाम धनी की मुखारविंद से प्रकट होने वाले अखंड सुख को सुंदर साथ पान करते हैं। खिताब खाना रखते हैं, और इस समय रेहल, किताबें, रुमाल इत्यादि जो कुछ भी सेवा में जो भी सामग्रियां लगती हैं ये सब कुछ रखने की सेवा एक सुंदर साथ की होती है। ये जयंती काका की सेवा होती है, तो श्री जी कहते हैं काका को जल्दी बुलाओ और ये सारी सेवाएं यहाँ तैयार करके दोनों तरफ किताबें पधरा करके चर्चा शुरू हो। संदू का सब साज, और सारी सेवा की सामग्रियाँ तैयार की जाए। हजूर हमेशा रहते हैं, और ये हर हमेशा श्री जी के पास में रहते हैं। कभी भी किसी को किस रुपयों की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है, तो श्री जी तक बात पहुंचाई जाती है कि अमुक सुंदर साथ को इतने खर्चे की आवश्यकता है। श्री जी उनकी अर्जी को सुनते हैं और उनको देने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं, तो जो सुंदर साथ थैली में कुछ रुपए लेकर के रहते हैं उनको दिया जाता है। बागजी ले आवत, एक बागजी सुंदर साथ हैं जिन्होंने देखा कि श्री जी चर्चा करने के लिए बैठते हैं तो उनको असुविधा ना हो, इसीलिए एक लकड़ी का जो हाथ रखने के लिए, इस प्रकार से हाथ रखने के लिए एक लकड़ी का होता है उसको जंगोटा कहते हैं, ये जंगोटा ला करके श्री जी की जिस पलंग पर विराजमान है आगे रख देते हैं ताकि उस पर हाथ रखा जाए और आराम से बोलने में कोई तकलीफ ना हो, कोई हाव भाव प्रकट करने में तकलीफ ना हो, जंगोटा प्रस्तुत करते हैं। पंजावन मालीदास का, वनमालीदास से एक लकड़ी का कार्य करते हैं, कुछ फर्नीचर इत्यादि का निर्माण करना इनको आता है। इन्होंने कभी देखा होगा श्री जी चर्चा करते होंगे, पसीना आता होगा, कहीं खुजली होती होगी, खुजलाने की ज़रूरत पड़ती होगी, तो इन्होंने एक लकड़ी का ऐसा पंजा बना दिया, ला करके श्री जी को पकड़ा देते हैं। उसके नीचे सोने का मुठ्ठा बना हुआ पकड़ने की जगह पर, और श्री जी को ला करके देते हैं कि जहाँ खुजलाने की ज़रूरत हो तो हाथ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। दुधराय तपसीर ले, दुधराय इस समय तपसीर हुसैनी लेकर के सामने आते हैं और सुनावत अल्लाह कलाम, ये तपसीर हुसैनी में जो परमधाम से संबंधित
25 पक्ष से संबंधित या जागनी लीला से संबंधित जो भी बातें होती हैं उसको पढ़ते हैं और श्री जी उसका मायना करके सुंदर सात को समझाते हैं। और बद्रीदास बैठत, बद्रीदास जी उस समय बैठते हैं। बका लिखा बरस एक, श्री जी के मुखारविंद से जो जो शब्द निकलते हैं सुंदर सात सोचते हैं, हम तो आज सुन ही रहे हैं, कल आने वाला सुंदर सात जो दूर दूर का सुंदर सात हैं उन तक भी ये बात पहुँचे जैसे के तैसे, इसीलिए बैठ करके वहाँ कापियों में उतारते रहते हैं। अब कापियाँ भी कैसी होती होगी उन दिनों में, बड़े बड़े मटकों में स्याही भरी रखते हैं भर भर के, और उसमें लिखने के उस समय के यंत्र आज की तरह कोई पेन पेंसिल इत्यादि नहीं होती थी, लकड़ियों से लिखी जाती होगी, सीखों से लिखी जाती होगी, ये लिख लिख करके सुंदर सात तक पहुँचाते हैं। और आज भी उस समय के लिखे हुए परनाजी में कई धामी सुंदर सात के घर में उपलब्ध होते हैं कि श्री जी के ज़माने में जब कभी चर्चा होती थी उस समय लिख करके रखे हुए वो कापियाँ अभी भी मिलती हैं। भागवत गीता के, और भागवत और गीता के सारे रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। हजूर हमेशा रहत हैं, ये गोविंद जी एक सुंदर सात हैं गोविंद मिसर करके, ये हमेशा श्री जी के पास में रहते हैं और जब जब ज़रूरत पड़ती है तो इन रहस्यों को श्री जी के सामने प्रकट करते हैं, प्रसंगों को, और श्री जी उनके रहस्यों को सुंदर सात के सामने प्रस्तुत करते हैं। कई शाखे शास्त्रन की, बहुत सारे सुंदर सात शास्त्रों की साक्षियाँ, प्रमाण, कुछ दोहा, श्लोक, मंत्र इत्यादि, जिनको जो समझ में नहीं आई होती है वो ले करके आते हैं और श्री जी के सामने कहते हैं कि धामधनी इसका हमें अर्थ करके समझाइए। चर्चा चित दे होत है, श्री जी चर्चा करते हैं, सुनने वाले परम धाम की आत्माएं स्वयं धामधनी प्राणनाथ जी के रूप में लीला कर रहे हैं, सुंदर सात को सुना रहे हैं, बहुत आनंद मंगल, सुंदर सात इतना प्रेम में डूब जाता है, परम धाम की चर्चा होती है तो उस शोभा में डूब जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं कि हम परनाजी में बंगला जी में बैठे हैं, उनको लगता है कि जब परम धाम की चर्चा होती है तो हम 25 पक्षों में सैर कर रहे हैं, जब राजजी श्यामा जी के शोभा श्रृंगार का वर्णन होता है तो उनको लगता है कि हम तो राजजी के सामने श्यामा जी के सामने हैं, हम अपनी आँखें बंद करके उस स्वरूप को देख रहे हैं जो जिस स्वरूप का साक्षात धामधनी वर्णन कर रहे होते हैं। सुख बतावत धाम को, सुंदर सात को कहते हैं कि हे सुंदर सात तुम इस संसार में कौन सा सुख लेना चाहते हो, संसार तो सारा दुख का स्वरूप है, माया का स्वरूप है, ये शरीर, मन, इंद्रियां, प्रकृति, यहाँ के हर पदार्थ दुखदायी है, लेकिन हमारा जीव इस प्रकृति के अंदर पैदा हुआ होने के कारण, ये इसके विषय के अंतर्गत होने के कारण यहाँ की चीज़ें तुम्हें सुखदायी लगती है, लेकिन जिसको ये चीज़ मिल जाती है मिलने के बाद आखिर में ये दुखदायी ही होती है, तो कहते हैं सुख बताओ तो धाम को, दुख बताओ तो खेल। तुम अखंड सुख को पाना चाहते हो तो अपने धनी को याद करो, अखंड सुख जानना चाहते हो तो उस परम धाम की शोभा को जान लो, समझ लो, ये संसार तो दुखदायी है, सुख बताओ तो धाम को, दुख बताओ तो खेल, और इस प्रकार से तुम इस दुख रूपी संसार को देखने के लिए ये लैल तुल तकरार के तीसरे तकरार में आए हो जिसमें माया का खेल देख रहे हो। तुम ना ही इन खेल के, कहते हैं तुम इस संसार के नहीं हो, तुम स्वर्ग वैकुंठ तुम्हारा धाम नहीं है, जिस घर में जिस परिवार में पैदा हुए हो उस घर परिवार के लोगों से कहीं दूर दूर तक तुम्हारी आत्मा का कोई भी संबंध नहीं था और कभी रहने वाला भी नहीं है। याद करो निज धाम, तुम्हारा अखंड संबंध अपने धनी के साथ है, उस परम धाम की याद करो। पहले लाया कलाम को, सबसे पहले इस अखंड की वाणी को कौन लेकर के आए, इशारत रमुजे हक, इशारत रमुजे हक बसरी सूरत, उसको कुछ इशारों के रूप में, संकेत के रूप में अखंड का ज्ञान यहाँ ला करके आए। रूह अल्लाह की लीलाया, श्यामा जी तारतम ज्ञान ला करके उन इशारों को खोल करके समझाती रही। इमाम खोल दिखाया बुजरक, हब की सूरत श्री प्राणनाथ जी ने और सारी शोभा अपने ऊपर लेकर के उन इशारों को, उन रहस्यों को खोल खोल करके समझाया, और आज बंगला जी में भी बैठ करके वही समझा रहे हैं।
सात निशान बड़े कहे। इसमें कयामत के सात निशान आपने दिल्ली में भी सुने, आगे चल करके रामनगर के प्रसंग में भी सुना और परनाजी में भी जाकर के ये प्रसंग सुने हैं। इसीलिए श्री जी यहाँ सात निशान का जो वर्णन कर रहे हैं वो कुरान ये कयामत के समय में जाहिर होने वाले सात निशान हैं, उसका भी कभी कभी मायना करके समझाते हैं। होशी रोशन वक़्त कयामत, ये कयामत के समय में सातों निशान जाहिर होंगे। कहया 1100 सन के, जब 1100 वर्ष पहले ही इन प्रसंगों को इस संसार में मोहम्मद साहब लेकर के आए। सो आए पहुंची शरत, और जिस समय के लिए उन्होंने वादा किया था वो कयामत का समय आ चुका है। चारों वसीयत नामे का, और कयामत जाहिर हो चुकी, इशारू अल्लाह आ चुके हैं, खुद इमाम मेहदी के स्वरूप प्रकट हो चुके हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए चार वसीयत नामे आए, और इन चारों वसीयत नामे में ये लिख दिया गया था कि खुद खुदा अल्लाह ताला इस संसार में प्रकट हो चुके हैं, लेकिन बेईमान लोगों ने इन दृष्टि न होने के कारण इनकी पहचान नहीं की, इनके शब्द को आवाज़ को सुन करके उन पर ईमान नहीं लाए, इसीलिए अब ये बेईमान हो चुके हैं। इतने सख्त शब्दों में वसीयत नामे भी आए, फिर भी किसी को प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं हो सकी। आजुज माजुज जाहिर भये, आजुज माजुज जाहिर हो चुके हैं, मगरब से सूरज उग चुका है, दावतुल और जानवर पैदा हो चुका है। भाई लड़ाई दज्जाल, और दज्जाल से इशारू अल्लाह प्रकट हो गए, उन्होंने अपने ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञानता के साथ लड़ाई करके दज्जाल को मार डाला है। करी मोमिनो और इमाम, मोमिनो और इमाम मेहदी के स्वरूप के साथ दज्जाल की लड़ाई होगी। ये जागने के अंतर्गत श्री जी के साथ ब्रह्मात्माओं ने जो कष्ट झेला यही दज्जाल के साथ युद्ध होना है। अस्राफिल आए के, जागृत बुद्धि का फरिश्ता अस्राफिल सारे धर्म ग्रंथों के रहस्यों को उजागर करके बड़ी ऊंची बुलंद आवाज में चारों तरफ तारतम ज्ञान का रोशन फैला रहा है। अरस इलाही खजाना, अखंड परमधाम का अखंड ज्ञान रूपी खजाना इस संसार में प्रकट हो गया। करत हैं सरफ, और इसको चारों तरफ फैला करके जिसके अंदर अज्ञानता का अंधकार था, मैल था, वो सब कुछ मैल को धो करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने का कार्य हो रहा है। इन चर्चा में बोलन की, और इस प्रकार से जब चर्चा होती है तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। कहूँ ना रहे मजाल, किसी की हिम्मत नहीं होती। भानने को ठाड़ा रहे, लेकिन माया हर हमेशा ये ताक में रहती हैं कि हमें कहाँ अवसर मिल जाए और हम इन जो एक धारा प्रवाह चल रही उसमें व्यवधान डालें, किसी भी प्रकार से खलल डाल करके इस ज्ञान की चर्चा को, इस ब्रह्म सभा को, और इन ब्रह्मात्माओं ने जिस प्रकार से परमधाम का सुख ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दज्जाल बन करके, बाधक बन करके हम समस्या खड़ी करें, ये माया हर हमेशा ताक में रहती है। महामति कहे ए साथ जी, महामति जी कहती हैं कि हे सुंदर साथ जी, सुनियो चित दे तुम, आप इस दूसरे पहर के प्रसंग को ध्यान दे करके सुनिए। अब आरोगन के वक्त का, अब दूसरे पहर में आरोगने का वक्त हुआ, श्री जी चर्चा पर बैठे हैं, सुंदर साथ आकर के श्री जी से अर्जी करते हैं धामधनी, अब भोजन का समय हुआ, अपने चर्चा को विश्राम कीजिए। हुआ है हुकुम, धाम धनी कहते हैं कि ठीक है, आप अपनी तैयारी सेवा की सामग्रियों को तैयार कीजिए, मैं अपनी चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। अब कहूँ आरोगन की, अब भोजन आरोगने का समय हुआ, उस समय जो सेवा होती है तो एक दो घड़ी, दिन का दो प्रहर बीत चुका है, एक दो घड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, श्री जी चर्चा छोड़ने को राजी नहीं होते, सुंदर साथ बार बार आकर के अर्जी करते हैं धामधनी, अब थोड़ी देर विश्राम कीजिए, थक गए होंगे। हुक्म किया हक ने, धामधनी ने हुक्म कर दिया, जाय के लाओ थाल, ठीक है आप थाल भोग की तैयार कीजिए। आए बाई जी सो कहया, और आ करके श्री बाई जी राज जी को ये संदेश सुना दिया जाता है कि धामधनी का हुक्म हो गया है। होए के खुशहाल, प्रसन्न होकर के सुंदर साथ की अर्जी सुन करके धामधनी ने आदेश दे दिया है।
अर्ज की सेवा मिने। और ये अर्ज की सेवा में कमलावती बाई रहती हैं कि श्री जी से संदेशा लेकर के बायजूराज तक जाती हैं और कहती हैं कि श्री जी ने हमें आदेश दिया थाल भोग की तैयारी कीजिए। हुकुम हुआ श्री राज का। अब श्री जी उस समय स्नान करते हैं भोजन से पहले, इसीलिए जो स्नान के वक्त जिनकी सेवा होती है उन सुंदर सात को कहते हैं मुझे चर्चा से डिस्टर्ब करने से पहले मैं उठ जाऊं, तब तक जो भी वस्त्र और स्नान की सामग्रियां जो भी चाहिए हैं उन सब की तैयारी कीजिए। जयंती दास आए के। जयंती दास जी आकर के किसी सुंदर सात की अर्जी होती है श्री जी के लिए धीरे से कान में कह देते हैं और श्री जी उनकी अर्जी को सुनते हैं और उसका कबूल करते हैं। उठत राज झीलन को। उठत राज झीलन को, श्री जी उठते हैं, झीलना का वक्त हुआ और जाकर के श्री जी झीलने के लिए तैयार हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। बैठत चौकी पर। चौकी पर विराजमान हो गए। सखियां तेल लगावत। और स्नान से पहले ताकि किसी प्रकार के सर्दी गर्मी का प्रकोप न हो जाए बार बार स्नान करने से, इसीलिए यहाँ तेल मर्दन होता है तो कुछ सुंदर सात कटोरियों में तेल लेकर के आते हैं, श्री जी के अंग में तेल लगाने की सेवा होती है। चारों तरफों फिर। चारों तरफ घेर करके सेवा की लालच से सुंदर सात खड़ा हो जाता है। तेल की सेवा मीने। और इस समय तेल की सेवा में अंग मर्दन की जो सेवा होती है उसमें कौन कौन रहते हैं? गोदावरी गंगाराम। गोदावरी और गंगाराम जी ये रहते हैं, कटोरी भर भर के लाते हैं और इसी सेवा में इनको बहुत ही संतुष्टि मिलती है। इन सेवा में शामिल। उनके साथ और भी सुंदर साथ रहते हैं, बंसी हैं, सीताराम हैं, ये हमेशा इसी सेवा में इनको लगता है कि हमें बहुत आराम मिल रहा है। धोती पोती पीताम्बर। श्री जी कहते हैं कि धोती पोती पीताम्बर, श्री जी जब नीचे आदि धोती नीचे बांधते हैं कमर पर, आदि ऊपर ओढ़ते हैं और कभी सर्दियों का समय हो तो ऊपर से पीताम्बर यानी हल्का कपड़ा ओढ़ लेते हैं। लालदासित लाए। ये लालदास जी अपने पास रखे रहते हैं, जरूरत के समय में लेकर के सेवा में हाजिर हुए। मानक तले जल को। मानक ये एक सुंदर सात का नाम है, माणिक नाम है, ये गर्म और ठंडा पानी दोनों मिला करके स्नान करने योग्य बना करके तैयार करते हैं। लाकर बनाए। ये तैयार करके ले आते हैं। झीलन रंग सुहावना। अब श्री जी बैठते हैं चौकी के ऊपर और सुंदर सात श्री जी के ऊपर जल का लोटा डाल डाल करके उनको स्नान कराते हैं तो झीलना रंग सुहावना। आज परना जी में जाएंगे, जब जब झीलना होती है तो आप जो सुंदर सात पहुँचे होंगे तो ये झीलना रंग सुहावना उस समय ये बोला जाता है। तो श्री जी का स्नान होता है, बगल में कुछ सुंदर सात बैठ करके ये झीलना रंग सुहावना बोलते हैं। चंद्रमा ऊपर तानत। कभी भी देह क्रिया के समय किसी भी प्रकार से हम बाहर स्नान इत्यादि करते हैं, देह क्रिया इत्यादि करते हैं तो कहा जाता है कि खुले स्नान इस आसमान पर नहीं करना चाहिए, तो ऊपर कोई पशु पंछी इत्यादि सामने से न गुजरे, ऊपर से कुछ न हो या सीधी सूरज की रोशनी न पड़ जाए, इसीलिए चंद्रमा यानी एक लंबा चौड़ा कपड़ा तान दिया जाता है। ये जो बाई रतन। ये रतन बाई ये रखी रहती है। चौकी ऊपर चादर। चौकी के ऊपर चादर बिछाने की सेवा ये माणिक बाई की होती है। मानक नहावावे स्नेह सो। और मानक भाई इस समय बहुत प्रेम पूर्वक श्री जी को श्री जी का स्नान कराते हैं, जल भर भर के लोटा डालते हैं। लालदास जी भी इस समय साथ में रहते हैं, छविलदास वृंदावन जी अंग पोछने का कार्य करते हैं। इन समय आए पहुँचे। इस समय जब महाराजा छत्रसाल जी पहुँचते हैं तो हाथ में तौलिया लेकर के श्री जी के अंग पोछने की ये सेवा उनकी विशेष रूप से रहती है। रुमाल लाई लालबाई। लालबाई जी जब रुमाल लेकर के आती हैं, श्री बाई जी पोछत अंग। बाई जी राज जी
रुमाल को अपने हाथ में लेती हैं और श्री जी के अंग पोछने की सेवा करती हैं। प्रेमदास शामिल रहे, प्रेमदास जी उनके साथ हर हमेशा तैयार रहते हैं। कई सखियां सेवे संग, और भी सुंदर साथ, सबके अंदर क्या भाव है, चाहे कोई पुरुष है कोई स्त्री है, दिल में ये भाव है हम धाम धन की अर्धांगिनी स्वरूप है, हम सखियाँ हैं, सब सबके अंदर परातम का जैसा भाव हो चुका है। घेर के ठाड़ी रहे, बहुत सुंदर साथ इस समय घेर करके खड़े रहते हैं। फिरत हैं गिर दबाए, चारों तरफ घेरे रहते हैं। जल लोटा ललिता पर, अब इस समय श्री जी देखने पर एक हंसी मजाक जैसा लगता है, लेकिन श्री जी की लीला बड़ी अपरंपार है, अलौकिक लीला है। श्री जी को लगता है कि हालांकि मैं अपने निजी रूप से तो राजाराम झाजन भाई की सेवा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इतना सुंदर साथ जिनके खान पीन भोजन इत्यादि वस्त्र की जागनी की सेवा में जो भी धन खर्च चाहिए वो सब राजाराम झाजन भाई की सेवा है। धाम धनी ने इन सुंदर साथ की देखभाल रेख देख की सारी सेवा मेरे हाथ में दी है। अगर उस सेवा को राजाराम झाजन भाई करते हैं तो ये मेरे उपकार एक प्रकार से तो उपकार ही कर रहे हैं, तो मैं इनके लिए क्या उपकार करूँ, ये एक प्रकार की भावना रहती है। श्री जी अवासी बंदर पहुँचे थे तो वहाँ भी इसी प्रकार की घटना हुई है। भैरव सेठ था, उसने तेज कुंवरी जी को छुड़ाया 70,000 लारी दे करके। श्री जी ने उनको चर्चा सुनाई लेकिन आत्मा जागृत नहीं हो रही थी, तो सोचते हैं कि इनकी आत्मा क्यों जागृत नहीं हो रही है। कहते हैं कि भैरव सेठ तुम इस दुनिया के सेठ हो, तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं तुम्हें क्या उपकार करूं, तुम्हारा भोजन पानी सही नहीं है इसलिए तुम्हें चर्चा समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारे अंदर तामसी प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई है, इसका कारण है तामसी संगत करना, तामसी भोजन करना और उस माहौल में रहना, तुम इस माहौल को छोड़ो, इस प्रकार की भोजन को छोड़ो तो तुम्हारे अंदर सात्विकता आएगी तो ज्ञान भी तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा, असर करेगा, तुम दुनिया के सेठ हो, मैं परमधाम का सेठ हूँ, परमधाम की सारी अलौकिक निधि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तीसरे दिन में श्री जी की अंतरात्मा की इच्छा के कारण भैरव सेठ जैसे एक माया में डूबे रहने वाले व्यक्ति को परमधाम का साक्षात्कार हुआ और भारी सभा में कह दिया जिन वस्तुओं का मैंने परहेज किया वो हमेशा के लिए मैं छोड़ देता हूँ। उन्होंने वहाँ ये संकल्प किया, ये केवल श्री जी की अंतरात्मा से ये आवाज़ निकली थी कि तुमने मेरे उपकार किया है। तो राजाराम झाजन भाई ने जो सेवा की इनका बहुत बड़ा उपकार समझ करके स्नान करते समय एक लोटा जल लेकर के उनकी बेटी जो ललिता सखी थी वो शरीर से कुबड़ी थी, अपंग थी और एक उनके नाम से किरंतन उतरा है, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, इन दो स्वरूप दया करी मुझ पर नज़र तुम्हारी, कारी कुमत कूब कूचल ऐसी कठिन कठोर हुनारी, आत्म मेरी निर्मल करके सहज पारे उतारी। धामधनी आपने मेरे इस काले कुलूटे कुबड़े शरीर को भी आपने सुंदर बना दिया, इससे भी मुझे मुक्त करा दिया, संसार के बंधन से माया के बंधन से भी मुक्त करा दिया, युगल स्वरूप की मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, ये सब राजा राम झाजन भाई की सेवा के वजह से, उनकी सेवा से रीझ करके धाम धनी ने हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी ने अपनी इच्छा शक्ति से उनके शरीर के कुबड़ेपन को दूर करके जैसे एक लोटा पानी उनके ऊपर क्या डाला वो सर्वांग सुंदरी हो गई और ये प्रकरण भी उनके नाम से अवतरित हुआ। शोभादास झीलन में, शोभादास जी एक सुंदर साथ होते हैं, ये श्री जी स्नान करते हैं वो जल बह जाता है, देखते हैं सब लोग तो कोई चरणामृत बांटने में लगे हैं, कोई तेल प्रसादी बांटने में लगे थे, उसमें भीड़ लगाए रहते हैं और श्री जी का असली चरणामृत इनका जो स्नान किया हुआ पानी तो वैसे ही व्यर्थ चला जा रहा है, ये भी तो बड़ा चरणामृत है, वो उसमें लोटपोट हो जाते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, सोचते हैं कि आज तो मेरा दिन धन्य है। आज भी कई पन्ना जी में ऐसे सुंदर साथ हैं,
जो बंगला दरबार का या गुम्मट जी का जो झीलना होता है उससे जो पानी बह जाता है उसको भर भर के डिब्बों में भर के चरणामृत घर ले जाते हैं और वहाँ लोटपोट हो जाते हैं। तो ये शोभादासी हैं, साक्षात श्री जी के स्नान किए जल में जा कर के वस्त्रों सहित लोटपोट हो कर के प्रसन्न हो जाते हैं। केशवदास बाणी ले, केशवदास जी हाथ में बाणी लेकर के खड़े रहते हैं। बाचत समय एन, और इस समय बाचत समय इन, उस समय बाँचते हैं सामने खड़े होकर के। लालदास जी कुरान की आयतों को बाँचते हैं, पीताम्बर दास जी हैं और प्रेमदास जी कई सारे सुंदर साथ हैं। महाराजा ये उस समय ये क्या बाँचते हैं, झिलना रंग सुहामणा इत्यादि उसका गायन करते हैं और कई ऐसे चौपाइयों का गायन करते हैं अवसर देख करके। छत्रसाल जी जब पहुँचते हैं तो श्री जी को कभी चद्दर उड़ाते हैं, कभी जो गर्म लोई होती है मौसम के अनुसार ऋतुओं के अनुसार सेवा करते हैं। छत्रसाल जी स्वयं हाजिर होते हैं, श्रृंगार कराते हैं। थालो पर चंद्रवा, श्री जी अब स्नान करने के बाद श्रृंगार करके आकर आसन पर विराजमान हो गए। अब चार जनी पकड़े, चार सुंदर सात थाल के ऊपर चंद्रमा कपड़ा पकड़ करके जब श्री जी का भोजन आता है तो चार लोग उसको पकड़ करके ऊपर से बड़े चादर से चंद्रमा टांग करके ले आते हैं। ये सेवा धनबाई की, ये धनबाई की सेवा होती है विशेष रूप से। आवे रसोई के समय, जब श्री जी को रसोई अरोगाने का समय होता है तो तुरंत पहुँचती है। और राजभोग थाल में, अब दोपहर का समय हो गया, राजभोग का समय हो गया और राजभोग के समय में जो श्री जी को भोजन कराने के लिए बड़ी थाली होती है उनमें क्या क्या सामग्री लाई जाती है। धरत हेत कर प्यार, बहुत प्रेम पूर्वक भोजन बनाना भी चाहिए, प्रेम पूर्वक भोजन की सामग्रियों को कमाना भी चाहिए धर्म पूर्वक और प्रेम पूर्वक, और भोजन कराने वाला परोसने वाला भी प्रेम पूर्वक कराएं और करने वाला भी प्रेम पूर्वक करें। यदि इन चारों के अंदर किसी भी प्रकार की अनैतिक भावना हो, चाहे कमाने वाले के ऊपर, बनाने वालों के ऊपर, परोसने और खिलाने खाने वालों के ऊपर, तो उस भोजन के अंदर उसका प्रभाव चला जाता है। वैसे समय का अभाव है, नहीं तो मैं आपको ये एक घटना सुनाता कि भोजन का प्रभाव कैसा होता है, गलत तरीके से जो कमाया जाता है उसका क्या प्रभाव होता है। गलत भावना से जो बना करके क्रोध में बना करके खिलाते हैं तो खाने वालों के ऊपर उसका प्रभाव जाता है, और अच्छा बना करके दिया जा रहा है लेकिन खाने वाला व्यक्ति बहुत क्रोध में आकर के उस भोजन को बेरहमी से खाता है तब भी उसका गलत प्रभाव जाता है, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। तो इसका सारा प्रसंग कभी समय मिलेगा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वैसे पिछली जो भी बीतकें हुई उसमें मैंने आपको बताया है, आज समय के अभाव के कारण मैं इस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत करना नहीं चाहूँगा। इत खंबा ललिता बोलत, श्री बाई जी के आगे पावड़ा, बाई जी राज जी के उस समय आगे पावड़ा बिछाती हैं, गादी बिछाने की ये बिहारी दास जी की सेवा होती है। और बिहारी दास जी जब गादी बिछाते हैं तो उसमें गादी के ऊपर चाकला और तकिया इत्यादि बिछाया जाता है। तिन पर अन विराजत, त्यहाँ उसमें आकर के श्री जी विराजमान हो जाते हैं। दो बाजू बैठावन हार, और दोनों हाथ पकड़ करके श्री जी को बैठाने के लिए लालबाई और धनबाई हमेशा खबरदार रहती हैं। एक बाजू लालबाई और लालबाई जी, और दूसरे बाजू में धनबाई खड़ी रहती हैं। इत खमा ललिता बोलत, ललिता सखी यहाँ खमा खमा यानी धामधनी, क्षमा कीजिए धामधनी मेहर कीजिए, यदि कोई सुंदर साथ से सेवा में त्रुटि हो जाती है तो उनको क्षमा कीजिए और अपनी नजरे कर्म सब सुंदर साथ के ऊपर बनाए रखिए। इनकी सेवा ये उनकी सेवा होती है।
कन्नड़ इनके साथ है। कन्नड़ भाई इनके साथ रहते हैं, परमानंद ये गाने के लिए हर हमेशा तैयार तत्पर रहते हैं, श्री जी को भोजन कराते हैं तो उस समय ये बैठ करके गाते हैं। मान बाई अत मानसो, मान बाई बहुत मान कर प्रेम के मान के साथ बैठती हैं। चौकी आगे धरत, सामने ला करके चौकी रखती हैं। धरया झालर लग गया रुमाल, झालर से युक्त रुमाल ला करके बिछाती हैं। ऊपर बिछावत, इस चौकी के ऊपर बिछाई जाती हैं। थाल धरी ताऊ पर, और उसके ऊपर थाल रखी जाती हैं। श्री बाई जी बैठत पास, बाई जी राज जी अब श्री जी के पास में बैठती हैं। आई जी सन्मुख बैठत, आई जी तेज कुमारी जी की माता भी सामने आकर के बैठती हैं। थाल लावे कर विश्वास, बहुत प्रेम भाव के साथ, इस विश्वास के साथ कि हम धाम धनी को अब भोजन भोग लगा रहे हैं। लई मानक चिलमची, मानक भाई चिलमची लेकर के हाथ धुलाते हैं। श्री बाई जी के हाथ पखालत, बाई जी राज तेज कुमारी जी श्री जी का हाथ धुलाती हैं। रुमाल सो लेके, हाथ में रुमाल लेकर के श्री जी के हाथ पोछने की सेवा हो रही है। सयन मिलावे गिरोह से, सुंदर साथ की जमात सेवा करने के लिए सब तत्पर हैं। आवत अरोगने थाल, श्री जी को भोजन अरुगाने के समय कई सुंदर साथ दूर से ही आकर के श्री जी को भोजन आरोगते हुए देख करके प्रसन्न होता है। सूरजमन रसोई में, सूरजमन जी हमेशा ये रसोई की सेवा में रहते हैं। साथ की सेवा करे, सब सुंदर साथ को भोजन बना बना करके खिलाने की, 5000 की जमात को 3 टाइम भोजन बना करके खिलाना कोई आसान बात काम नहीं होता। 3 नहीं तो 2 टाइम तो जरूर दोपहर का और शाम का तो भोजन चलता ही चलता है। तो आपने देखा है ज्ञानपीठ में कभी प्रोग्राम होता है, 1000, 2000, 3000, 5000 सुंदर साथ कभी आते हैं तो उनको भोजन बना करके खिलाने में, बर्तन घिसने में बहुत सेवा होती है। 11 वर्षों तक सेवा चलती रही। तो ये सेवा जो सुंदर साथ ने की है और वो इतने प्रेम भाव के साथ की है, उन सुंदर साथ की सेवा वास्तव में शिरोधार्य और अनुकरणीय है। हमेशा ढींग बैठत, हर हमेशा श्री जी के पास ही रहते हैं। श्री बाई जी सेवा में, बाई जी राज जी सेवा में तत्पर रहती हैं। रुच के श्री राज मांगत, जब श्री जी भोजन करते हैं किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हाथ से इशारा करते हैं और इस चीज़ की ज़रूरत है मुझे, बाई जी राज जी उस चीज़ को भोजन की थाली में परोसती हैं। कहावत श्री बाई जी इन समय, बाई जी राज जी उसको परोस करके प्रेम पूर्वक भोजन कराती हैं। गोकुल हाजर इन समय, गोकुल दास जी इस समय हाजिर रहते हैं। बाता करे बनाए, बहुत प्रेम पूर्वक मीठी मीठी बातें करते हैं, सुनाते हैं। इलम हदीसा साहिदी, इलम हदीसा साहिदी उस समय भी अवसर पाते हैं तो कभी कभी ज्ञान की बातें होती हैं, हदीसों की या किसी अन्य ग्रंथों की जो साहिदी या साक्षी प्रमाण होते हैं उसको यदि पूछना चाहें, जानना चाहें तो अवसर देख करके उस समय समझ लेते हैं। कहत हैं चित लाए, कहत हैं चित लाए बहुत प्रेम पूर्वक उसका अर्थ करके सुनाया जाता है। दाएं बाएं बैठत, और इसको इसके बाद में आरोगने के लिए सर्वप्रथम श्री जी भोजन आरोगते हैं तो प्रसाद बाइयों को पहले दी जाती, क्योंकि बाइयाँ सेवा में सबसे पहले अग्रणी रहती हैं तो इनकी सेवा से रीझ करके भी यहाँ भी भोजन इत्यादि बनाने, परोसने, खिलाने, बर्तन इत्यादि करने में माताओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो श्री जी उनकी सेवा देख करके पहले बाइयों को प्रसाद देते हैं। तो इसमें प्रसंग आया है, आरोगते प्रथम हेत देते हैं बाइयों को प्रसाद, राजा राम हेतु सो पावे इनको स्वाद। राजा राम झाझन भाई की सेवा से प्रसन्न होकर के रीझ करके ललिता सखी के सब प्रकार के दुख दुविधाओं को तो दूर किया ही सही, लेकिन श्री जी को भोग लगने के पश्चात प्रसाद का प्रथम स्वाद भले ही श्री जी बाइयों को दे रहे हैं लेकिन पहला राजा राम झाझन भाई को इसका स्वाद मिलता है, ये इनकी सेवा का प्रताप है। सखियाँ गिरद घेर के, श्री जी के चारों तरफ सुंदर साथ घेर करके बैठे हैं।
केतिक रहे खड़ी, बहुत सुंदर साथ खड़े रहते हैं। जल अंध बीच में, बीच बीच में कभी जल आरोगते हैं। देवे छबीलदास, ये छबीलदास जी की सेवा रहती है। हजूर में हमेशा, ये हर हमेशा श्री जी के हजूर में परछाई की भांति खड़े रहते हैं। दोए रहे पिकदान, और ये हाथ में पिकदान लेकर के कभी कुल्ला करने की जरूरत पड़ती है तो लेकर के खड़े रहते हैं। संग रहे शंकर के, शंकर दास जी हमेशा शामिल रहते हैं। सेवत मुरलीधर, सेवत मुरलीधर, ये मुरलीधर की सेवा होती है। पिकदान लेकर के रखने की, उसको व्यवस्थित करने की। केशवदास, लालदास, और केशवदास जी और लालदास जी ये हमेशा श्री जी के बगल में बैठे रहते हैं। जब चौपाई उतरती है तो लिखते हैं, और केशवदास जी ने आखिर में इस वाणी को पूरी तरीके से व्यवस्थित करके एक ग्रंथ के रूप में तैयार करके दिया। और साथ केता कहूँ, और बहुत सारे सुंदर साथ हैं, श्री जी के बगल में बैठे रहते हैं। दाएं बाएं बैठे त्योहार, अगल बगल में बैठे रहते हैं। दूध दही दधि शिखरन, दूध दधि शिखरन, ये जब श्री जी को भोग लग रहा है इसमें दूध दधि शिखरन इत्यादि अनेक प्रकार के भोज्य सामग्री सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। श्री बायजू अरोगावत कर हेत, बायजूराज जी अब श्री जी को बहुत प्रेम पूर्वक भोग लगा रही हैं। अरोग पी रहे पीछे, आरोगने के बाद में बांटने को अवल देत, बांटने को कवल देत, उसके बाद में जो श्री जी के लिए भोजन बना हुआ होता है, श्री जी को भोग लगने के उपरांत, जैसे आज गुम्मट जी में, बंगला जी में भोग लगता है, और जो बचा हुआ जो भोग का अवशेष होता है वो महाप्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसी प्रकार से श्री जी का जो, श्री जी को भोग लगने के बाद वो सब सुंदर साथ को थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है। सुपारी गीगा लाइया, और गीगा बाई कभी सुपारी लेकर के आती हैं, कभी मानक लाते हैं, कभी छबीलदास जी, ये सब पारी पारी से करते हैं। कभी प्रहलाद जी की ये सेवा होती है, कभी कल्याण जी की होती है, तो कभी पान का बेड़ा, तंबोल इत्यादि सेवा में लेकर के आते हैं। भोजन करने के पश्चात पान का बेड़ा, ये आजकल तो पान में जर्दा इत्यादि डालते हैं और लोग उसको खा करके स्वाद लेते हैं, लेकिन उस समय असल में जो भोजन के बाद पान का बेड़ा लिया जाता है उसमें दो प्रकार की चीज़ें डाली जाती हैं। एक तो मुखवास का काम हो, मुख में सुगंध आती रहे, और दूसरा जो भोजन हमने किया है वो जल्दी पच जाए, ऐसी कुछ सामग्रियाँ उसमें डाली जाती हैं जो पान के बेड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। कस्तूरी को राखत, और उसमें कस्तूरी रखने की सेवा ये बेनीदास जी की होती है। कई दिनों तक श्री जी को ये अरोगाने की सेवा करते हैं। अरोगत आनंद सो, बहुत आनंद के साथ श्री जी जब उनको देते हैं तो आरोगते हैं। तब महाराजा आवत, छत्रसाल जी जब पहुंचते हैं तो उस समय श्री जी को हाथ पकड़ करके उठाते हैं। दूसरी तरफ लालदास जी उस समय सेवा में हाजिर रहते हैं। सेज बिछाई स्नेह सो, उसके बाद अब श्री जी दूसरे प्रहर के बाद थोड़ी देर विश्राम करेंगे। सेजिया बिछाई जा रही है। ए जो द्वारका दास, द्वारका दास जी और प्रेम दास जी की ये सेवा रहती है। चारों तरफ पावड़े बिछाए जाते हैं जहाँ श्री जी अब दोपहर को विश्राम करेंगे। सब सुंदर साथ की जमात उनके चारों तरफ वाणी गाने वाले अवसर देख करके, अब यहाँ 14 पारियाँ होती हैं, 14 पारियाँ मंडली सब अपनी अपनी पारी में आकर के, जो अपने मंडली का प्रमुख पहले आता है, बाद में और सुंदर साथ आके बैठ जाते हैं। जिसकी पारी होती है यहाँ बैठ करके बड़ी मधुर ध्वनि प्रस्तुत करते हुए वाणी गाया जाता है। सुंदर साथ श्री जी लेटे लेटे उसको सुनते हैं और थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं। कभू पानी रास की, कभी कभी रास की वाणी, रास की रामते हैं, उसके किरणतन इत्यादि गाए जाते हैं। गावत कर प्रेम, बहुत प्रेम पूर्वक गाए जाते हैं। कभी ब्रज लीला से संबंधित कुछ चौपाइयों का गायन होता है, कुछ
कभू अरस अजीम को, कभी परमधाम के 25 पक्षियों की का वर्णन होता है तो कभी अष्टपहर की लीला से संबंधित या युगल स्वरूप के श्रृंगार से संबंधित इन वाणी की चौपाइयों को या मधुर ध्वनि में संगीतमय तरीके से गाया जाता है। सेज सुरंगी नूर की, अब श्री जी सेज्या पर बैठे हैं, वो बहुत ही खुश रंग है और नूर भरी है। यहाँ नूर की सामग्री तो नहीं है, मैंने शुरू में कहा उन ब्रह्मात्माओं की दृष्टि में वो परमधाम का नूर है और धाम धनी जिस आवेश स्वरूप में विराजमान है वो एक नूरी स्वरूप है। तो उस नूरी स्वरूप को आत्माएं नूरी दृष्टि से देखती हैं तो वह प्रेम भी उनका नूरमय हो जाता है। इत दोपहर पूरन भए, अब यहाँ दूसरा प्रहर पूरा हो गया, हुआ तीसरे का आमल जब। अब दूसरा प्रहर पूरा होने के बाद तीसरा प्रहर प्रारंभ होता है। तीसरे प्रहर की भी तक आप कल सुनेंगे, तीसरे चौथे पांचवें प्रहर की भी तक कल पूरी होगी और संभवतः ये 16 तारीख को, कल 15 है, 16 को भी तक का समापन किया जाएगा। तो सभी सुंदर साथ 16 को प्रातःकाल में ही सवेरे 10 से 12 बजे के बीच में समाप्ति होगी और उस दिन सभी सुंदर साथ के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था ज्ञानपीठ की तरफ से या जिन सुंदर साथ की सेवा रहेगी, रसोई की सेवा, उनकी तरफ से होगी। तो सुंदर साथ परसों सभी 10 बजे से पहले पहले ही उपस्थित होंगे और भोजन करके ही सब अपने निवास की ओर प्रस्थान करेंगे। आज दूसरे प्रहर की भी तक यहाँ समाप्त होती है, तीसरे प्रहर से जितना हो सके कल सुनेंगे, बाकी परसों की समाप्ति होगी। सभी सुंदर साथ को ये सूचना यहीं से प्रसारित किया जाता है। जो सुंदर साथ नहीं पहुँचे हैं उनको भी सूचना दे दिया जाए कि 16 तारीख को 10 से 12 बजे के बीच में बीतक की समाप्ति होगी। सब मिलकर के चौपाई दोहराएंगे। महामति कहे ए साथ जी, श्री महामति कहे साथ जी, ए बात बड़ी बुजरक, ए बात बड़ी बुजरक, एक जरा मैं ना कह सकूं, इत जरा मैं ना कह सकूं, लाल कया गजे माफक, लाल कया गजे माफक, लाल कया गजे माफक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।